काफी बेहतरीन मैच होता हुआ, 9 ओवर एक गेंद हो चुके हैं, 9 ओवर एक गेंदों के बाद मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन जो है यहाँ पर 50 रन बना लिया है 2 विकेट के नुकसान पे। हरमनप्रीत कौर जो कि यहाँ पर बैटिंग कर रहा है 20 रनों की स्कोर पे, जहाँ पर रॉड्रिगेज 13 रनों की स्कोर पे खेल रही है। बॉलिंग करता हुआ वेलिंगटन इस बार सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। हरमनप्रीत कौर को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, वेलिंगटन की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप पे पिच हुई थी और यहाँ पर स्वीप कर दिया था। 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे हरमनप्रीत कौर को और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 9 ओवर 2 गेंदों के बाद 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हरमनप्रीत कौर जो कि यहाँ पर 22 रनों की स्कोर पे खेल रही है, सामना करेंगे इस बार वेलिंगटन की गेंद का। वेलिंगटन बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद राइट आउट ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ वेलिंगटन और फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद देने की कोशिश, फुल टॉस में लिया बॉल को, स्वीप कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया है हरमनप्रीत कौर ने। तो दोनों सलामी बल्लेबाज, ये सलामी बल्लेबाज नहीं, यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो कि दूसरा विकेट आउट होने के बाद, वेब आउट होने के बाद यहाँ पर आई है और रॉड्रिगेज जो कि सलामी बल्लेबाज की तरफ से आई थी मगर अभी भी बने हुए हैं 16 गेंदों पर 13 रनों के स्कोर पे। वेलिंगटन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार हाँ में खेल दिया है बॉल को, स्वीप करने की कोशिश किया था डीप मिड विकेट की तरफ और यहाँ पर फिर से एक विकेट, जी हाँ यहाँ पर फिर से एक विकेट, रॉड्रिगेज यहाँ पर आउट होता हुआ, रॉड्रिगेज यहाँ पर आउट होता हुआ अगेंस्ट द स्पिन जाके बॉल को स्वीप किया था और बॉल बैट का सही पे जगह पे नहीं लगी, शॉट उतनी जबरदस्त तरीके नहीं लगा नहीं है बल्ले पे और हवा में बहुत देर तक था और डीप मिड विकेट का फील्डर कोई गलती नहीं किया है कैच लेने में। इसी के साथ है तीसरा विकेट आउट होता हुआ यहाँ पर, रॉड्रिगेज यहाँ पर आउट होके पेविलियन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वेलिंगटन आते ही यहाँ पर विकेट निकाल लिया है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रॉड्रिगेज जो कि बहुत ही धीमा खेल रहे थे वो यहाँ पर आउट होता हुआ, कैच लिया है यहाँ पर रॉड्रिगेज का, कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन है देखना होगा। भैया वाले साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक करो और नए बल्लेबाज यहाँ पर मैदान पे आ चुके हैं, पैटरसन, जी हाँ बी पैटरसन ने कैच लिया है यहाँ पर रॉड्रिगेज का। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से आज जबरदस्त बॉलिंग किया है यहाँ पर वेलिंगटन एंड कोएटे ने बारबे और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉल थोड़ा सा टर्न मिलता हुआ यहाँ पर वेलिंगटन को। भाई बने रहिए हमारे साथ, हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे वेलिंगटन की इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी का। दाहिने हाथ का खिलाड़ी को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ फ्लाइटेड गेंद इस बार फील्ड स्वीप कर दिया है, इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे हरमनप्रीत कौर को और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 10 ओवर के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पे बन चुकी है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन मैच होता हुआ, एडिलेड यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन को ज़्यादा मौके नहीं दे रहे हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स ओमेन ज़्यादा रूम नहीं दे रहे हैं बड़ी शॉट खेलने का, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है और थोड़ी ही देर में मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। एवलिन जोन्स ये भी कमाल के खेलते हैं, एवलिन जोन्स की अगर बात करें तो एवलिन जोन्स पिछली मैच जो इनका था एवलिन जोन्स का हैवर्ट हार्कन्स के खिलाफ, उस मैच में ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, सिर्फ 4 रन बनाए थे मगर बात करते हैं द 100 क्रिकेट में एवलिन जोन्स ने जबरदस्त पारियां खेली है, तो आज उम्मीद है इनसे ये पारी खेलने की, देखना होगा एवलिन जोन्स और हरमनप्रीत कौर मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन्स की इस स्कोर को कहां तक ले जा पाती है। आपको क्या लगता है भाई कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज अगले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन का। तो भाई जितने भी भाई हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक जरूर करें, चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन मैच होने वाला है, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, ड्रिंक्स ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन ने 55 रन बनाए हैं 10 ओवर में, मैच फिर से दोबारा स्टार्ट हो चुका है, ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो चुकी है और स्ट्राइक पे है एवलिन जोन्स।
पिछला मैच हैवर्ट हेरिकेन्स के खिलाफ सिर्फ 4 रन पे आउट हुई थी। एवलिन जोन्स लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और सामना करेंगे, देखना होगा कि गेंदबाज आगे गेंदबाजी कौन करने आई है। इस मीडियम फास्ट बॉलर को लगाया गया है मगर इनका नाम क्या है देखना होगा। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और लाइक के साथ साथ चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला लाइक यहां पर आ जाना चाहिए भाई। 10 भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पिनर बॉलर और इस बार राउंड विकेट बॉल करता हुआ एवलिन जोन्स को सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार। इस ओवर की दूसरी के राइट आर्म राउंड विकेट बॉल करता हुआ एवलिन जोन्स को इस बार ऑफ स्टंप पे यहां पर बैकफुट में जाकर ड्राइव करने की कोशिश। अंपायर के पैर पे लग के बॉल जो चला गया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल मिलेगा और लगातार यहां पर सिंगल लेते हुए धीमी शुरुआत और धीमी स्कोरिंग रेट चलता हुआ, रन की गति जो है यहां पर धीमी गति के साथ चलता हुआ। 10 ओवर 2 गेंदों के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 3 जबरदस्त विकेट निकल चुके हैं यहां से। रॉड्रिगेज आउट हो चुकी है, मॉरिनेक्स जो कि कप्तान है वो खुद आउट हो चुकी है और साथ में वेब आउट हो चुकी है। देखना होगा हरमनप्रीत कौर इस बार सामना करेंगे, 25 रनों की स्कोर पे खेल रही है, सामना करेंगे इस बार नायकार की गेंद बक्काजी का नायकार की गेंद इस बार ओवर द विकेट, छोटी गेंद पुल कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन की मांग है और यहां पर एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए हरमनप्रीत कौर, बड़ा स्कोर यहां पर जरूरत है मेलबॉर्न रेनेगेट्स को इस मैच में अगर जीत हासिल करनी होगी। तो दोनों ही टीम एक एक मैच जीत के पॉइंट टेबल में 2-2 अंकों के साथ चौथे और या दूसरे और पांचवें पायदान पे बने हुई है। इस बीच बॉल को हल्के से फ्लिक कर दिया था फाइन लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ हरमनप्रीत कौर और इसी सिंगल का हरमनप्रीत कौर ने यहां पर एवलिन जोन्स ने सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 58 रनों तक पहुंच चुकी है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें। फिर से एक बार डीना नायकार्क बॉलिंग करता हुआ, अच्छी गेंद रूम नहीं दिया था, बैकफुट में जाकर बॉल को कवर की तरफ खेल दिया था, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि भाई यहाँ पर पहला लाइक बहुत ही जल्द आ जाएगा आप लोगों के तरफ से। इस बार फ्लाइटेड गेंद देने की कोशिश, स्वीप कर दिया है बॉल को स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिलेगा हरमनप्रीत कौर। लगातार दोनों ही बल्लेबाज जो है यहाँ पर सिंगल को लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, जानते हैं लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद थोड़ा सा दबाव में मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन के ऊपर बढ़ता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स का। थैंक यू सो मच भाई, देखिए भाई ने पहला लाइक कर दिया है तो इसी तरह भाई आप लोग लाइक करते जाइए। 11 लाइक यहाँ पर 11 भाई है तो 11 लाइक तो बनता है भाई। 11 ओवर के बाद 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे मैदान पे है एवलिन जोन्स एंड हरमनप्रीत कौर। आज इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। मोहम्मद श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू मोहम्मद श्याम जी जुड़ने के लिए। यहाँ पर फिर से एक बार घुमा दिया है बॉल को, स्वीप कर दिया है, लगातार स्वीप शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, जाने जाते हैं स्वीप, इनके स्वीप जो है ये बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। मोहम्मद राहिद आलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलमान मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। ये मैच कौन जीतेगा भाई? भाई मोहम्मद आलम जी यहाँ पर आपको बता दे, जिस तरीके से अभी मेलबॉर्न रेनेगेट्स का जो स्लो बैटिंग चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि आज एडिलेड स्ट्राइकर पूरी तरीके से मैच और मैदान पे दबाव बना के रखा गया। धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, हेलो जी धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ने के लिए, वेलकम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉलिंग करता हुआ वेलिंगटन इस बार लेग स्टंप पे पिछली गेंद, बॉल को स्वीप करने की कोशिश किया था एवलिन जोन्स ने मगर सीधी यहां पर शॉट फाइन लेग पे, फील्डर मौजूद थे बॉल को रोकने के लिए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो दबाव जो बना हुआ है यहां पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन के ऊपर उसको बरकरार रखते हुए वेलिंगटन बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ और इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ है, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा,
और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 62 रनों तक पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर 4 गेंदों के बाद। अब इस साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार जी हैं, सलमान मलिक जी हैं, मोहम्मद राहिद आलम जी हैं और मोहम्मद श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए। इस बार आगे निकल स्टेप आउट करके निकाल दिया है, बॉल को हवा में खेल दिया है, बॉल 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का, यहाँ पर बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ ही स्कोर जो है 68 रनों तक पहुंच चुका है और हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है 29 रनों तक। स्टेप आउट करके विलिंगटन की गेंद पे शॉट लगाया था, बहुत ही बढ़िया डीप मिड विकेट के ऊपर से निकाल दिया था। तो चलिए भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर करिए भाई, 17 भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 लाइक है, ये माना नहीं जा सकता है, आप लोगों का प्यार कम होता जा रहा है। विलिंगटन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर ने इस बार ड्राइव कर दिया है, गैप में खेला हुआ शॉट, पॉइंट और कवर के बीच में से 1 ही रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है 59 रन बन चुके हैं। इस बार एवलिन जोन्स है स्ट्राइक पे, तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बात, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो यहाँ पर 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो है 69 रन 3 विकेट के नुकसान पे हो चुकी है। विलिंगटन ने इस ओवर में एक महंगा ओवर दिया है, इस ओवर में भाई यहाँ पर विलिंगटन की इस ओवर से 10 रन आए हैं, तो देखा जाए कि मेलबॉर्न रेनेगेड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ओवर था। फिर से एक बार बॉलिंग करने आई है नाइकार्क, वैन नाइकार्क आए हैं बॉलिंग करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ हरमनप्रीत कौर को, सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सिंगल मिलेगा। फिर से एक बार लगातार यहां पर सिंगल लेते हुए, तो भाई जितने भी भाई यहां पर है बने हैं हमारे साथ, उनको पूछना है कि यहां पर मेलबर्न रेनेगेड्स ओमन जो है आज कितने रन बना पाएगा। थोड़ा सा जो है ड्रिंक्स के बाद रन की गति पे थोड़ा सा सुधार होता हुआ। फिर से एक बार नाइकार्क बॉलिंग करता हुआ, एवलिन जोन्स को हवा में खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, मगर शॉट जबरदस्त शॉट नहीं है, बॉल वहीं पर रह गया, 1 रन जरूर मिला है और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे 71 रनों तक पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर 2 गेंदों के बाद। एवलिन जोन्स 11 रनों के स्कोर पे खेल रही है। फिर से एक बार सामना करेंगे इस बार हरमनप्रीत कौर, छोटी गेंद पुल कर दिया है बॉल को, बॉल चला गया डीप मिड विकेट की तरफ, 2 फील्डर हैं और यहाँ पर 2 रन आराम से मिलेंगे और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 73 रन बन चुकी है। तो भाई लाइक जरूर करें और 7 लाइक दूर है यहाँ पर 10 लाइक करने के लिए, तो जो भाई अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूँगा लाइक करो। हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे, हरमनप्रीत कौर भाई ये जो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर फिर से एक बार सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद, कट करने की कोशिश मगर पूरी तरीके से बीट हो गए, बॉल चला गया सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। नाइकार का काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ, मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को बड़ा शॉट खेलने का हरमनप्रीत कौर। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार आगे निकल का है, स्टेप आउट करके स्वर डाल दिया था बॉल को और यहाँ पर रन आउट का चांस बना है, देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पर थर्ड अंपायर जी नहीं, यहाँ पर थर्ड अंपायर तक नहीं गया है, तो यहाँ पर बचता हुआ रन आउट तो नहीं हुए हैं, 1 रन जरूर मिला है और इसी काफ़ी खतरनाक रनिंग था, पहुँच गए थे मैदान यहाँ पर किस तक, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 12 ओवर 5 गेंदों के बाद 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार एवलिन जोन्स है स्ट्राइक पे, एवलिन जोन्स इस बार आगे निकल के आए, बॉल को खेल दिया डीप एम लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल मिलेगा, लगातार सिंगल, बड़ा शॉट लगाने नहीं, मौका नहीं दे रहे यहाँ पर डी नायकार, काफ़ी बेहतरीन अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करता हुआ, इस 2 ओवर में इन्होंने अभी तक 10 रन दिए हैं। हरमनप्रीत कौर 30 रनों की स्कोर पे और एवलिन जोन्स 15 रन बना के खेल रही हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर स्कोरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको बता दें कि यहाँ पर हरमनप्रीत कौर 38 तक पहुँच चुकी है और एवलिन जोन्स सिर्फ
6 रनों पे बैटिंग कर रही है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर 137। जाकिर हुसैन जी कह रहे भाई हमने आपका कमेंट नहीं पढ़ा था, जाकिर हुसैन जी 137, यस भाई 137 तो होना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 137 हो गया तो मेलबॉर्न रेनेगेड्स को एक फाइटिंग स्कोर मिल जाएगा। 13 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यहां पर आपको बता दें कि यहां पर हरमनप्रीत कौर 39 रनों की स्कोर पे खेल रही है और एवलिन जोन्स 5 रनों की स्कोर पे। इस बीच सिंगल लिया है एवलिन जोन्स ने और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ। 13 ओवर 1 गेंदों के बाद 75 रन 3 विकेट के नुकसान पे हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे। हरमनप्रीत कौर जो कि यहां पर बैटिंग कर रही है 39 रनों की स्कोर पे सामना करेंगी। कौन आए हैं गेंदबाजी करने देखना होगा। बने रहिए भाई हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। और यहां पर 13 ओवर 1 गेंदों के बाद 75 रन 3 विकेट के नुकसान पे बन चुकी है। हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे और सामना करेंगी इस ओवर की अगली गेंद का। ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, ओ काफी बेहतरीन गेंद, तेज आई थी बॉल, मिडिल स्टंप का बॉल था, बैट का किनारा लिया, पॉइंट की तरफ गई है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो, सपोर्ट करो भाई को। 13 ओवर 2 गेंदे हो चुके हैं, 75 रन यहां पर 3 विकेट के नुकसान पे। तालिया मैकग्राथ आई है बॉलिंग डालने के लिए, तालिया मैकग्राथ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ और इस बार हल्के बॉलों से खेल दिया है, शॉर्ट फॉर यहां पर फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, रन कोई नहीं मिलेंगे, डॉट बॉल होता हुआ। 13 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर जो है यहां पर, जी हां यहां पर रन मिले हैं, काफी रिक्सी सिंगल था जो कि कंप्लीट कर लिया है हरमनप्रीत कौर ने और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 76 रनों तक पहुंच चुका है। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ एवलिन जोन्स को, इस बार ओवर द विकेट, बाएं हाथ के खिलाड़ी को ओवर द विकेट बॉल किया था, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास, सीधे बल्ले से खेला था, मिडिल ऑफ द बैट खेल रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है एवलिन जोन्स को यह शॉट खेलने में, बड़ा शॉट नहीं लग रहा है, ये काफी चिंता का विषय है मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमन के लिए। तो चलिए देखते हैं, तालिया मैकग्राथ फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ एवलिन जोन्स को, इस बार छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है बॉल को डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। लगातार यहां पर सिंगल बड़ा शॉट चाहिए, हर एक ओवर में एक एक बड़ा शॉट चाहिए अगर यहां पर स्कोर को 140 तक पहुंचाना है तो। 13 ओवर 5 गेंदों के बाद 77 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। हमें लगता है कि आज आखिरी गेंद पे यहां पर हरमनप्रीत कौर जो कि 40 रनों के स्कोर पे खेल रही है सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ हरमनप्रीत कौर को, इस बार फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाली थी, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेके ओवर की समाप्ति करते हुए 14 ओवर के बाद 78 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना है मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमन का, जहां पर हरमनप्रीत कौर 41 रनों के स्कोर पे खेल रही है और एवलिन जोन्स 7 रन बना के खेल रही है। तो भाई आज आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ, मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमन ने आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट जो है जल्दी जल्दी खो दिए और यहां पर स्कोर को 78 रन बना है 14 ओवर के बाद। अभी अगले 6 ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर निर्भर करता है, मुझे लगता है कि यह स्कोर 120 से 130 के अंदर कुछ भी बन सकता है। अब देखना होगा क्योंकि विकेट 3 विकेट गिरे हैं, अभी भी 7 विकेट हाथ में है, जहां पर हरमनप्रीत कौर यहां पर 41 रनों की स्कोर पे है और वहां पर एवलिन जोन्स 7 रनों की स्कोर पे है। तो इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होगी, अगले 2 ओवर देख के पता चलेगा कि यहां पर स्कोर कितना बन सकते हैं। हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, हाँ मैं खेल दिया है बॉल को यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का विकेट भी चला गया है। जी हाँ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का विकेट भी चला गया है और इसी विकेट की जरूरत थी एडिलेड स्ट्राइकर को। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और यहाँ पर 78 पे 4 हो चुके हैं भाई। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, अब तो यहाँ से 120 रन भी बनना मुश्किल लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए।
हटा लिया मैकग्रॉट ने, यहाँ पर नए बॉलर जो थे उन्होंने ये विकेट लिया है। ट्रेसी ब्राउन, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रेसी ब्राउन ने यह विकेट निकाला है और कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन ये देखना होगा। अच्छा पिक किया था बॉल को मगर डीप में फील्डर मौजूद थे और पीटरसन ने यहाँ पर कैच लिया है ड्रेसी ब्राउन की गेंद पे। 110 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 41 रन 37 गेंदों पे 41 रन बनाए थे हरमनप्रीत कौर ने। जेसी डफिन आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक करो और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तो लग रहा है यहाँ पर 120 रन बनना मुश्किल है। ड्रेसी ब्राउन फिर से एक बार बॉलिंग करने तैयार, सामना करेंगे जेसी डफिन। मुझे लगता है इवलिन जोन नहीं, जेसी डफिन है बैट्समैन, दाहिने हाथ का खिलाड़ी है और इस बार बॉलिंग करता हुआ ऑफ स्टंप पे कट हुई गेंद, बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छे तेज गेंदबाजी किया है यहाँ पर ड्रेसी ब्राउन ने। ये बॉल तेज निकली सीधा विकेट कीपर की दस्ताने में गई है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 14 ओवर दो गेंदों के बाद 78 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा और 4 लाइक दूर है यहाँ पर 10 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 10 लाइक पूरा कर दे। ड्रेसी ब्राउन इस ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद, बॉल पैड पे लगी या बैट पे देखना होगा मगर रन एक जरूर मिला है और अंपायर ने इसको लेग बाय का इशारा दिया है और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 79 रनों तक पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। डेसी ब्राउन अपना चौथा गेंद लेके हाजिर है और इस बार सामना करेंगे इवलिन जोन्स। क्या लगता है भाई यहाँ पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ जेसी ब्राउन इवलिन जोन्स को राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, मिडिल स्टंप का बॉल बैकफुट पे जाके बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन की मांग है और यहाँ पर 2 रन पूरे करते हुए और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 81 रनों तक पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बहुत सारे भाई यहाँ पर जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए और इसी तरह जुड़े रहिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भाई। आज ये 8वां मैच है जो कि खेला जा रहा है मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स ओमेन के बीच। बॉलिंग करता हुआ ड्रेसी ब्राउन अपना आखिरी ओवर डालेंगी और सामना करेंगे जेसी डफिन। डफिन दाहिने हाथ के खिलाड़ी है और काफी कमाल की बैटिंग करते हैं, लंबे शॉटों के लिए जाने जाते हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंद भाई, गुड लेंथ की गेंद थी अंदर की तरफ आई, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन यहाँ पर सब मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 15 ओवर तक यहाँ पर हो चुके हैं, 15 ओवर में 82 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ से स्कोर को आगे ले जाना है तो भाई गियर बदलनी होए और बड़े शॉट लगाने होंगे हर एक ओवर में और उसी के हर एक ओवर में बड़ा शॉट लगाना होगा और वही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में यहाँ पर आउट होते हुए हरमनप्रीत कौर। अच्छी खेल रही थी और यहाँ पर 15 ओवर के बाद मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन की स्कोर 82 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पिनर लाए गए हैं बैटिंग यहाँ पर बॉलिंग डालने के लिए, स्पिनर को लाया गया है बॉलिंग करने के लिए और सामना करेंगे इवलिन जोन्स जी को 9 रनों की स्कोर पे। इस बार ऑफ स्टंप का बॉल था, बॉल को घुमा के खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लिया है फिर से। लगातार कोशिश कर रहा है इवलिन जोन्स बड़ा शॉट खेलने का। स्कोर जो है यहाँ पर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पे। देखना होगा कि भाई यहाँ पर जो भी भाई हमारे साथ बने हुए हैं सभी को लाइक जरूर करना है और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दाहिने हाथ और बाएं हाथ की कम्बिनेशन यहाँ पर चल रही है, डफिन है इस यहाँ पर स्ट्राइक पे, सामना करेंगे विलिंगटन की इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार बैकफुट में गए, पुल कर यहाँ पर खेल दिया, कट कर दिया बॉल को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ लगातार सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। बड़ा शॉट की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। विलिंगटन ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी किया है अभी तक, फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राउंड विकेट और बॉल को बैकफुट में जाके खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। लगातार यहाँ पर सिंगल, सिंगल में तो कोई कमी नहीं है मगर सिंगल लेने से काम रन की गति में बढ़ोतरी नहीं होगी। रन की गति अगर बढ़ाना है तो ओवर पर हर एक ओवर में चौका या छक्का आपको चाहिए ही चाहिए।
इस ओवर की चौथी गेंद, वेलिंगटन बॉलिंग करता हुआ डाफिन को, और थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली, डाफिन बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, मगर बॉल को कट कर दिया आखिरी मोमेंट पे, बॉल चला गया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ 15 ओवर यहाँ पर 15 ओवर 5 गेंदों के बाद अब 86 यहाँ पर 87 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ 15 ओवर 5 गेंदे हो चुके हैं 87 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई क्या लगता है आपको यह मैच में कौन आज जीत हासिल करेगा? और यहाँ पर जैसी डफिन जो है यहाँ पर स्ट्राइक पे है 2 रनों की स्कोर पे, सामना करेंगे विलिंगटन की इस ओवर की आखिरी गेंद का। ओवर द विकेट बॉल करता है, इस बार स्टेप आउट किया था मगर आखिरी मोमेंट पे बॉल को कट करने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉलों के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 16 ओवर के बाद 87 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। आज जो है मैच में रन नहीं बन रहे हैं उतना, स्लो रन रेट चल रहा है और यहाँ पर 5.49 का करंट रन रेट चल रही है। और यहाँ से अगर मेलबॉर्न रेनेगेड सोमेन को अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो कम से कम 120 जीतना है, इस मैच में बने रहना है तो यहाँ पर 120 से 130 रन 130 रन के करीब बनाने होंगे मेलबॉर्न ओवर। जी हाँ, जरूर हो सकता है यहाँ पर जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा जरूर। मोहम्मद सईद जी, विलिंगटन ने अपना 3 ओवर डाल दिए हैं 20 रन देके 1 विकेट, और इस बार फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल थोड़ी सी नीचे रही, रन देने की कोशिश मगर आखिरी मोमेंट पे मना किया है यहाँ पर डाफिन ने, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। एवलिन जोन्स है स्ट्राइक पे और बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगी, बाएं हाथ के खिलाड़ी है एवलिन जोन्स और बहुत देर से मैदान पे बने हुई है 12 रनों की स्कोर पे, 17 गेंद खेल चुकी है तो धीमा खेलते हुए यहाँ पर एवलिन जोन्स राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप पे मूल रूम मिला था, कट किया बॉल को, बॉल चला गया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर दौड़ के बॉल को फील्ड करेंगे और यहाँ पर सिंघेली में 2 रन, जी हाँ यहाँ पर 2 रन आराम से कंप्लीट करता हुआ, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है बन चुका है 89 रन 4 विकेट के नुकसान पे। क्या लगता है भाई आज यहाँ पर मैच में बड़ा रन आज आएगा? 120 से 130 के करीब रन यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स कोशिश करेगा बनाने का। इस बार एवलिन जोन्स हवा में खेलने की कोशिश, पूरी तरीके से फ्लाइटेड गेंद थी और बीट हो गए, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। एवलिन जोन्स कोयटे की गेंद लगातार बीट होते हुए, तो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ कोयटे राउंड द विकेट, एवलिन जोन्स है स्ट्राइक पे, बाएं हाथ को खिलाड़ी को दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार बैकफुट में जाके कोशिश किया था बॉल को, डीप मिड विकेट की तरफ दिशा में खेल दिया है, 2 रन की कोशिश है और यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा क्योंकि अच्छी थ्रो है वहाँ पर, डीप से बहुत ही बढ़िया थ्रो किया है, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 16 ओवर 4 गेंदों के बाद 90 रन बन चुके हैं, 90 रन बन चुके हैं भाई 4 विकेट के नुकसान पे। कोयटे सारा कोयटे जो कि कमाल की बॉलिंग किया है और बॉली नेक्स्ट का विकेट लिया था इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अब तक 2 ओवर 4 गेंदों पे 13 रन देके 1 विकेट निकाले। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ डाफिन को, डाफिन ने इस बार पैडल शॉट खेला है बॉल को और यहाँ पर शॉट फाइन लेग में फील्डर मौजूद था, कैच ले लिया गया है और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, यहाँ पर 5वां विकेट गिरता हुआ भाई मेलबॉर्न रेनेगेड्स जब भी बड़ा कुछ करने का कोशिश कर रहा है उनका विकेट गिर जा रहा है। तो आज मेलबॉर्न रेनेगेड्स का दिन नहीं है लग रहा है, 90 पे 5 हो चुके हैं। डाफिन जो कि पैडल शॉट खेलने की कोशिश किया था और शॉट फाइन लेग में फील्डर मौजूद थे और यहां पर एक आराम से आसान सा कैच ले लिया गया है और इसी के साथ 5वां विकेट गिरता हुआ मेलबॉर्न रेनेगेड्स का। तो भाई जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आज का दूसरा मैच भी यहाँ पर सिडनी सिक्सर और मेलबॉर्न स्टार्स के बीच मैच है, उस मैच का भी लाइव संप्रचारण इस चैनल के जरिए होगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डाफिन
आउट हो चुकी है और डाफिन की जगह पे नए गे बल्लेबाज यहाँ पर आई हुई है। वेरहम आते ही सिंगल लेके यहाँ पर खाता खोल दिया है। 17 ओवर कंप्लीट, 17 ओवर के बाद 91 रन 5 विकेट के नुकसान पे जॉर्जिया वेरहम जो कि एक रन से अपना खाता खोल चुकी है। और इस बार एवलिन जोन्स 15 रनों के स्कोर पे, क्विटे ने 3 ओवर डाली है, 3 ओवर में 14 रन देके 2 विकेट निकाल चुकी है। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स वोमेन एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा। और इस बार अगली गेंद बॉल को खेल दिया है पॉइंट और कवर के बीच में से, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जॉर्जिया वेरहम है स्ट्राइक पे, काफी बेहतरीन गेंदबाज है और उससे भी अच्छी यहां पर बल्लेबाजी की जरूरत है। वेरहम सामना करेंगे इस बार मिडिल स्टंप का बॉल, यॉर्कर डाला था बॉल को, बैट का एज लिया, चला गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक रन आराम से यहां पर कंप्लीट करता हुआ और इसी एक रन के साथ 92 रन बन चुका है मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन का। धीमी शुरुआत को यहाँ पर दिशा नहीं दे पाया है मेलबॉर्न रेनेगेड्स, क्योंकि एक अच्छी स्कोर की जरूरत है अगर इस मैच में जीत हासिल करने होगी तो। एडिलेड स्ट्राइकर के पास भी ताबड़तोड़ बैटिंग लाइन ऑफ है। एवलिन जोन्स है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार आगे निकल के शॉट खेला था बॉल को, पॉइंट और कवर के बीच में से निकाल दिया है बॉल को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 रन की मांग है और यहां पर 2 रन आराम से कंप्लीट करता हुआ और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 94 रनों तक पहुंच चुका है। बात कर रहा था मैं एवलिन जोन्स की, तो आज एवलिन जोन्स को एक बड़ा शॉट लेके खेलना होगा क्योंकि अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर की बाकी है। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिएगा। वह यहाँ पर वेरहम 2 रनों की स्कोर पे और एवलिन जोन्स 17 रनों की स्कोर पे और इस बार अगली गेंद हवा में खेल दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की तरफ और यहाँ पर मुझे लगता है कि 6 रन या चौका। बॉल हवा में बहुत देर तक था और यहाँ पर अंपायर का डिसीजन आ चुका है 6 रनों के लिए। बहुत ही उमदा शॉट यहाँ, 6 नहीं यहाँ पर 4 रनों के लिए, 4 रन मिले हैं भाई और इसी चौके के साथ 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहां पर बढ़ता हुआ 17 ओवर 3 गेंदों के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बॉलिंग करता हुआ तालिया मैग्राथ जो कि कप्तान है इस टीम के, लगातार यहां पर अच्छी गेंदबाजी चल रही है। वेरहम है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। वेरहम जो कि दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, सामना करेंगे तालिया मैग्राथ की गेंद का। तालिया मैग्राथ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, वेरहम को इस बार विकेट छोड़ के खेल दिया है बॉल को, बैट किनारा लिया, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ। इस बार फिर से एक बार चौका, फिर से एक बार चौका और इसी चौके के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 103 रनों तक पहुंच चुका है। आखिरकार 100 रन बन चुके हैं मेलबॉर्न रेनेगेड्स के साथ 17 ओवर 5 गेंदों के बाद मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन का स्कोर जो है 103 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे। तालिया मैग्राथ फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार सामना करेंगे जॉर्जिया वेरहम। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, फिर से एक बार विकेट छोड़ के खेलने की कोशिश, बैट का किनारा लिया, बॉल चला गया है इस बार फाइन लेग की तरफ। 2 रन की कोशिश है मगर यहां पर एक ही रन लेंगे वेरहम और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति 18 ओवर के बाद 104 रन 5 विकेट के नुकसान पे। वेरहम जो कि इस ओवर में अपना पहला चौका लगाई है वो बैटिंग कर रहा है 7 रनों की स्कोर पे। एवलिन जोन्स जो कि खेल रहे हैं बहुत देर से खेल रहे हैं 23 गेंदों पे 22 रन बना के और एक चौका सिर्फ लगाए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि एवलिन जोन्स बाकी के जो 2 ओवर है उसमें बड़ा शॉट लगाएगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, 18 ओवर के बाद 104 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक करो और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब करो। जितनी जल्दी आप लोग 10 लाइक तक पहुंचाते हैं भाई, कम से कम 10 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुंचा लो। भाई यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है, 19वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो है 106 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 19वें ओवर नहीं, यहाँ पर 18वें ओवर खत्म हुई है भाई, 18 ओवर खत्म हुई है।
क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है। आजकल ये साइड एरिया पर जो है बहुत ही दिक्कत हो रही है भाई। बने रहिए, इस ओवर की अगली गेंद करने आई है राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करता हुआ ओवरहम को। ओवरहम ने इस बार फ्लिक कर दिया बॉल को डिफ मिड विकेट की तरफ, दो रन, जी हाँ, आराम से दो रन कंप्लीट करता हुआ और इसी दो रन के साथ स्कोर जो है 109 रन बन चुके हैं पांच विकेट के नुकसान पे। यहां पर बन चुकी है भाई यहां पर 109 रन। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर के कोयटे राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हार्ड हिट करने की कोशिश, मिडिल स्टंप का बॉल था, बैट का किनारा लिया और चार रन मिल जाएंगे डीप स्क्वायर लेग की तरफ और इसी चौके की भी जरूरत थी यहां पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स की। 113 रन बने हैं पांच विकेट के नुकसान पे 19 ओवर दो गेंदों के बाद यहां पर तो 18 ओवर दो गेंदे होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। 18 ओवर दो गेंदे होने चाहिए मगर यहां पर 19 ओवर दिखाई दे रहा है और यहां पर स्वीप करने की कोशिश कोई दिख नहीं, यहां पर डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल के साथ 18 ओवर तीन गेंदे हो चुके हैं। 18 ओवर तीन गेंदों के बाद 113 रन पांच विकेट के नुकसान पे। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। कोयटे फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयार इस ओवर की, ये इनका आखिरी ओवर है और देखना होगा सामना करेंगे वेरहम। वेरहम की बल्ले से एक बड़ा शॉट की जरूरत है। कोयटे राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, मिडिल स्टंप का बॉल, हार्ड हिट करने की कोशिश, बॉल बैट का निचला हिस्सा लिया, सीधा बॉलर के पास गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल मिलेगा और इसी डॉट बॉलों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 18 ओवर चार गेंदों के बाद 113 रन पांच विकेट के नुकसान पे। भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर, इस बार लेग स्टंप का बॉल था, स्वीप करने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट हो गए, बॉल पैड पे लगा, वहीं पे रह गया, कोई रन नहीं मिलेगा। वेरहम लगातार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर उतनी अच्छी गेंदबाजी सहारा कोटे करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद, जी हां सहारा कोटे इस बार उस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेगी इस बार वेरहम और बॉल को खेल दिया है इस बार यहां पर विकेट, जी हां यहां पर विकेट, जी हां यहां पर विकेट, छठा विकेट गिरता हुआ। उन्नीस ओवर के बाद यहां पर 113 पे छे, 19 ओवर खत्म हो चुके हैं, 19 ओवर के बाद 113 रन पे छे विकेट आउट होते हुए जॉर्जिया वेरहम आए हैं। यहां पर आउट होता हुआ एवलिन जोन्स, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश किया था सारा कोटे को, दूसरा विकेट, चार ओवर 20 रन दो विकेट यहां पर लिया है सारा कोटे ने। आखिरी ओवर कौन डालेगा देखना होगा, मुझे लगता है तालिया मैकग्रैथ आएंगे बॉलिंग डालने के लिए। तालिया मैकग्रैथ ने चार ओवर डाल दिया है तो यहां पर आ सकते हैं विलिंगटन या नाइकार्क, कोई एक आ सकते हैं बॉलिंग डालने के लिए। मुझे लगता है विलिंगटन आई है बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे इस बार वेरहम। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एवलिन जोन्स यहां पर, एवलिन जोन्स नहीं वेरहम आउट हुई हैं, वेरहम आउट हुई हैं, सारा कोटे ने विकेट लिया है। एवलिन जोन्स 24 रनों के स्कोर पे और डूली खेल रही है। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 19 ओवर एक गेंदों के बाद 114 रन छह विकेट के नुकसान पे बन चुकी है। 12 ओवर द विकेट बॉल करता हुआ विलिंगटन और बॉल को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल मिलता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 19 ओवर दो गेंदों के बाद 115 रन बन चुके हैं छह विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर और इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आए एवलिन जोन्स, खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से चार रनों के लिए, बेहतरीन शॉट यहां पर एवलिन जोन्स का और इसी चौके की जरूरत थी मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन को।
19 ओवर 3 गेंदों के बाद 119 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, अभी भी यहाँ पर 3 गेंदें बाकी है, अब 3 गेंदों में कितने रन बनेंगे देखना होगा। एवलिन जोन्स स्ट्राइक पे फिर से एक बार आगे निकल गया है, हाँ में खेल दिया है, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, 2 रन जी नहीं यहाँ पर 2 रन आराम से कंप्लीट नहीं किए हैं, सिर्फ एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 120 रनों तक पहुंच चुका है। मैंने कहा था कि यहाँ पर 120 से 130 रन कुछ भी बन सकता है, 2 रन ले चुके हैं और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो 121 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की पांचवी गेंद, जी हाँ इस ओवर की पांचवी गेंद, सामना करेंगे एवलिन जोन्स। राइट आर्म राउंड विकेट बॉल करता हुआ इस बार आगे निकल का है, फिर से एक बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, 2 रन फिर से एक बार लेने की कोशिश, जी हाँ यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करते हुए लगातार यहाँ पर 2 रन बटोरते हुए एवलिन जोन्स पहुंच चुके हैं 33 रनों के स्कोर पे और स्कोर हो चुका है 19 ओवर 5 गेंदों के बाद 123 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ आखिरी गेंद, एवलिन जोन्स खेल दिया है फिर से एक बार डीप मिड विकेट की तरफ, लगातार मिड विकेट की तरफ खेलते हुए और लगातार यहाँ पर 2 रन लेते हुए और यहाँ पर मुझे लगता है ओवर थ्रो से फिर एक अतिरिक्त रन, 3 रन मिले भाई यहाँ पर 3 रन 20 ओवर के बाद 126 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई यहाँ पर ओवर थ्रो से भी एक रन आते हुए 20 ओवर के बाद 126 रन 6 विकेट के नुकसान पे बन चुके हैं, जहाँ पर एवलिन जोन्स 36 रन बना के खेल रही थी। थोड़ा सा स्कोर कार्ड हम देखेंगे आज, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आखिरकार एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुए हैं मेलबॉर्न रेनेगेड्स में। धीमी स्टार्ट हुआ था, मॉलिनेक्स एंड रॉड्रिगेज ने बहुत ही धीमी स्टार्ट किया था, मगर धीमी स्टार्ट के बावजूद यहां पर हरमनप्रीत कौर थोड़ा अच्छा खेली और 41 रन बनाए थे और वो आउट होने के बाद रन की गति और भी कम हो गई थी, मगर यहां पर आखिरकार एवलिन जोन्स ने एक अच्छा पारी खेला है 36 रनों का, और 36 रनों का एक पारी की मदद से और हरमनप्रीत कौर को 41 रनों की पारी, जबरदस्त पारी की मदद से यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है यहाँ पर 126 रन बनाने में कामयाब हुई है 6 विकेट के नुकसान पे। एडिलेट स्ट्राइकर की गेंदबाजी की सराहना करना पड़ेगा, क्योंकि एडिलेट स्ट्राइकर ओमेन की गेंदबाजी काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी रही और बैट्समैन को मौका नहीं दे रहा था बड़ा शॉट खेलने का। इस बार किसी तरह यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स 126 रन बना पाई है, टारगेट है एडिलेड स्ट्राइकर से सामने 127 रनों का और 120 गेंदों पे 127 रन बनाने हैं। अब देखना होगा कि इस मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है इस जो रन स्कोर बोर्ड पे है इसको डिफेंड कर पाती है कि नहीं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए किस तरीके से रन बनाए हैं यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन के खिलाड़ी, सोफिया मॉलिनेक्स एंड रॉड्रिगेज आए थे पहले यहाँ पर। मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, उसके बाद सोफिया मॉलिनेक्स एंड जेमे रॉड्रिगेज आए ओपन करने के लिए। काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था, मगर सोफिया मॉलिनेक्स 9 रनों के स्कोर पर सारा कोटे ने इनको आउट किया और यहाँ पर बी पैटिनसन ने इनका कैच लिया था। आज लगातार 3 कैच बी पैटिन, 2 कैच बीन पैटिनसन ने लिया है। रॉड्रिगेज जो कि आए थे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे, मगर विलिंगटन की एक
फ्लाइटेड गेंद थी जिसको स्वीप करने की कोशिश किया था और डीप में मिड विकेट पे एक जबरदस्त कैच लिया था केटी मैक ने। केटी मैक की अगर बात करें तो जबरदस्त खिलाड़ी है और इनकी जो परफॉर्मेंस है लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगभग हर एक मैच में ये परफॉर्म करती रहती है। तो देखना होगा, बैट्समैन है और काफ़ी बेहतरीन बैटिंग करती है। कॉर्टनी वेब जो कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक मैदान पर नहीं रही और सिर्फ एक रन को स्कोर पे बार्सबे ने इनको आउट किया। हरमनप्रीत कौर बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे, 41 रन बनाए 37 गेंदों पे, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। कोशिश कर रहा था एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का, मगर हरमनप्रीत कौर और एवलिन जोन्स के बीच एक साझेदारी बन रही थी, उस बीच हरमनप्रीत कौर आउट हो गए और ड्रेसी ब्राउन की गेंद पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया था, डीप मिड विकेट में इनका कैच लिया था बी पैटिंसन ने। एवलिन जोन्स नॉट आउट रही 36 रन और एक जबरदस्त पारी, मतलब बहुत इफेक्टिव पारी अगर देखा जाए मेलबॉर्न रेनेगेड्स के हिसाब से। जेसी डेफिन वो भी सारा कोटे का शिकार बनी, 2 रन बना पाए। जॉर्ज वेरहम एक चौका, 2 चौका जरूर लगाया था मगर 13 रन बनाए थे 10 गेंदों पे, मगर आखिरकार ये भी आउट हो चुकी सारा कोटे की गेंद पे। जासिया डुबली जो कि 1 रन बना के नॉट आउट रही। तो एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर बनता हुआ मेलबॉर्न रेनेगेड्स के पास, एक मतलब फाइटिंग स्कोर आप कह सकते हैं, इसको डिफेंड किया जा सकता है अगर कोशिश किया जाए तो। तो वही कोशिश यहाँ पर होगी मुझे लगता है। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी स्कोर हमें देखने के लिए मिल जाए। इस बार बात करेंगे हम बॉलिंग की, तो यहां पर आपको दिखा दे कि यहां पर जो है यहाँ पर जो है 6 गेंदबाज यूज़ किया है एडिलेट स्ट्राइकर्स की तरफ से। ड्रेसी ब्राउन ने 4 मैचों में, जी हाँ ड्रेसी ब्राउन ने यहाँ पर बात करते हैं, ड्रेसी ब्राउन ने यहाँ पर 4 ओवर डाले हैं, 4 ओवर डाल के 16 रन देके 1 विकेट निकाले, 3 विकेट निकाले हैं सारा कोटे ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले, 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट, 5 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग किया है इन्होंने सारा कोटे ने। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बॉलिंग किया है सारा कोटे ने। एमेंदा वेलिंगटन काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करती है, 4 ओवर में 33 रन देके 1 विकेट निकाले, थोड़ा सा महंगे रहे मगर अच्छा ये उन्होंने ओवर निकाला है। नाइकार्क ने 2 ओवर डाले हैं, 10 रन दिए हैं, अच्छी इकोनॉमी के साथ सफलता कोई नहीं मिला है। तो थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल प्रतिभा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
कैटी मैक एंड नायका की दोनों आई हैं ओपन करने के लिए एंड पांच गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की थी आखिरी गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेला है बॉलर के हाथ में कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ ओवर की समाप्ति पहली ओवर में यहां पर पांच रन बने हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स ओमन का। अब देखना होगा जो यहाँ पर 114 गेंदों पे 122 रनों की जरूरत है एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमन ने आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए हैं टोटल 20 ओवर में और 6 विकेट के नुकसान पे। उसके जवाब में यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की शुरुआती सलामी बल्लेबाज कैटी मैक और नाइकार्क ये दोनों आई हैं ओपन करने के लिए। फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार यहाँ पर फास्ट बॉलर जी हाँ बॉलिंग करने आई हैं नए बॉलर राइट अप मीडियम फास्ट बॉलिंग डालते हैं। तो भाई बात करें हम यहाँ पर जो बॉलर यहाँ पर आए हैं उनके बारे में बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि कौन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एडिलेड स्ट्राइकर्स की पिछला मैच जो था वो था सिडनी थंडर्स के खिलाफ और सिडनी थंडर्स के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी। कैटी मैक ने उस मैच में 6 रन बनाए थे मगर कैटी मैक अच्छे खिलाड़ी है और आज उनसे उम्मीद करेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की एक बड़ा पारी खेले। बॉलिंग करता हुआ इस बार की पहली गेंद कैटी मैक थे यहाँ पर डायन नाइकार्क थे बैट्समैन नाइकार्क ने यहाँ पर बॉल को खेल दिया फाइन लेग की तरफ 4 रन मिल जाएंगे और पहली यहाँ पर चौका पहला चौका इस मैच का पहला चौका और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 9 रनों तक पहुँच चुका है। तो भाई पहली गेंद पे ही यहाँ पर चौका लगा दिया है दूसरे ओवर की पहली गेंद पे ही यहाँ पर चौका। तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए यहाँ पर कैटी मैक नहीं यहाँ पर नाइकार्क ने चौका लगाया। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद इस बार थोड़ा सा आगे स्टेप आउट करके शॉट खेलने की कोशिश किया था पूरी तरीके से बीट हो गए बॉल थोड़ी सी नीचे रही थी और बॉल चला गया सीधा विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं मिलेंगे डॉट बॉल होता हुआ। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो। एडिलेड स्ट्राइकर्स की धमाकेदार शुरुआत किया है नाइकार्क ने। तो भाई हमारे साथ बने रहिए हॉली यहाँ पर बॉलिंग करने आई है हॉली फार्लिंग। हॉली फार्लिंग पिछली मैच में लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए आई है क्या इस मैच में भी वो फॉर्म इनका बरकरार रहेगा। फिर से एक बार नाइकार्क को बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद फार्लिंग राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ नाइकार्क को इस बार लेग स्टंप पे बॉल था फुल टॉस में लिया बॉल को खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ और यहां पर फिर से एक चौका नाइकार्क की गेंदबाजी में और नाइकार्क ने यहां पर फिर से एक चौका लगाया है और इसी चौके की मदद से स्कोर जो है यहां पर नाइकार्क का ये तीसरा चौका और इसी चौके के साथ स्कोर जो है एक ओवर तीन गेंदों के बाद 13 रन बन चुके हैं। डैनी वैन नाइकार्क जो कि 13 रनों के स्कोर पे खेल रही है अभी तक कैटी मैक ने एक भी रन नहीं बनाए हैं। फार्लिंग फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयारी इस ओवर की अगली गेंदबाजी का सामना करेंगे नाइकार्क ओवर द विकेट बॉल इस बार गैप में खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकाल दिया है फिर से एक चौका काफी कमाल का बैटिंग करता हुआ नाइकार्क पहुंच चुकी है 17 रनों की स्कोर पे और एडिलेड स्ट्राइकर का धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। तो भाई बने रही है लगातार बैक टू बैक चौका लगाता हुआ यहाँ पर वैन नाइकार्क फार्लिंग लगातार ये चौथा गेंद कर चुके हैं बहुत ही महंगा साबित होता हुआ फार्लिंग फिर से बार बॉलिंग करता हुआ नाइकार्क को इस ओवर की पांचवी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ ओ लेग स्टंप पे पिछली गेंद पैड पे लगी थोड़ा सा स्टेप आउट किया था और बाहर की तरफ निकली थी और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है नाइकार्क को अपील जरूर हुआ था मगर यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई बने रही हमारे साथ एक ओवर पांच गेंद के बाद 17 रन बन चुका है विदाउट एनी लॉस। एडिलेड स्ट्राइकर का धमाकेदार स्टार्टिंग करता हुआ वैन नाइकार्क इस ओवर की आखिरी गेंद फार्लिंग का सामना करेंगे नाइकार्क राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ पटकी हुई गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे बॉल था बॉल को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डर ने बॉल को रोका है कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ
दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर एडिलेड स्ट्राइकर का 17 रन बन चुका है। एडिलेड स्ट्राइकर को अभी भी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए कम से कम 110 रन बनाने होंगे। बेहतरीन पारी खेलता हुआ यहाँ पर नाइकार्क एंड कैटी मैक अपना अभी तक खाता नहीं खोल पाई हैं और स्पिन अटैक दिया गया है। फिर से एक बार मुझे लगता है बॉलिंग करने आई हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद हाँ में खेल दिया की कोशिश मगर बॉल चला गया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर भाग रहे हैं और यहाँ पर आराम से दो रन मिलने चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर आराम से दो रन कंप्लीट करता हुआ और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दो व तीन गेंदों के बाद 19 रन बन चुके हैं। तो भाई कमाल का मैच होता हुआ यहाँ पर। थैंक यू सो मच भाई आप लोगों ने लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। 105 गेंदों पे 108 रनों की जरूरत है। फिर से बार बॉलिंग करता हुआ इस बार अगली गेंद इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और यहाँ पर चौका भाई बेहतरीन चौका लगाता हुआ कैटी मैक भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं और यहाँ पर चौका लगा दिया है और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 23 रनों तक पहुंच चुका है। कैटी मैक पहुंच चुकी है 6 रनों की स्कोर पे। वेयरहम की गेंद और वेयरहम ने लगातार यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती हुई यहाँ पर कैटी मैक कमाल की बल्लेबाज है और देखना होगा कि आज पिछला मैच उनका अच्छा नहीं गया था मगर इस मैच में काफ़ी बेहतरीन पारी खेलने की कोशिश करेगी। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के पास कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। दो ओवर पांच गेंदे हो चुके हैं। दो ओवर पांच गेंदों के बाद 23 रन धमाकेदार स्टार्ट जरूर हुआ है कैटी मैक और नाइकार्क के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद वेरहम बॉलिंग करता हुआ इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद फ्लिक करने की कोशिश मगर बॉल बैट का एज लिया चला गया है मिड ऑन के पास कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर में 23 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। तो शुरुआत अच्छा होता हुआ यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का। कैटी मैक 6 रनों की स्कोर पे और नाइकार्क जो कि 17 रनों की स्कोर पे खेल रही है। एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 104 रनों की जरूरत है 102 गेंदों के। मेलबोर्न रेनेगेड्स ने आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और उसके यहाँ पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे और उसका जवाब में यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर ने 23 रन बना लिया बिना कोई विकेट खोए 3 ओवर के बाद। और फिर से एक बार बॉलर आए हैं बैटिंग टीम इजीली विन करेगी। भाई इरशाद अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई इरशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच भाई। इस बार फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद और यहाँ पर हाउ में कैच मिस फील्ड हुई है। हाउ में बॉल क्या था कट किया था बॉल को पॉइंट में फील्डर मौजूद थे एक आसान सा कैच छूटता हुआ कैच ड्रॉप हुआ है। एक रन भले ही मिले हैं मगर यहां पर एक एक बहुत ही आसान सा कैच मिस करता हुआ नाइकार्क ने इस बार शॉट खेला था। इस बार कैटी मैक है स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ पटकी हुई गेंद थी बॉल को पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर भाग रहे हैं और आखिरकार चौका मिल चुका है कैटी मैक को और इसी चौके की जरूरत थी कैटी मैक को और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 27 रनों तक पहुंच चुका है 3 ओवर 2 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ फुल कॉर्नर
इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद, अच्छी पिक किया है बॉल को, वन बाउंस मिड ऑफ के ऊपर से चार रनों के लिए, क्या कमाल का शॉट खेलता हुआ यहां पर नायकार्क, और इसी चौके की मदद से नायकार्क पहुंच चुके हैं 12 गेंदों पे 25 रनों के स्कोर पे, और स्कोर एडिलेड स्ट्राइकर का हो चुका है भाई यहां पर 3 ओवर 3 गेंदों के बाद 31 रन, जबरदस्त स्टार्टिंग मिलता हुआ यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर को, 96 रनों की जरूरत है एडिलेड स्ट्राइकर को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। फुल कॉर्नर काफी यहां पर फुल लेंथ बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का फायदा यहां पर नायकार्क उठा रहे हैं। मोहम्मद मोजीद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक बार, राइट आर्म ओवर द बॉलर दबाए, ऑफ स्टंप पे बाहर की तरफ पिच हुई गेंद, कट कर दिया कवर और पॉइंट के बीच में से निकाल दिया है 4 रनों के लिए। भाई यहां पर लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस मैच में जिस अंदाज से यहां पर डेन वैन नायकार्क बैटिंग कर रहे हैं उसको देख कर लग रहा है भाई यहां पर कोई हाइलाइट्स चल रही है। 3 ओवर 4 गेंदों के बाद 35 रन बन चुकी है एडिलेड स्ट्राइकर्स का, 92 रनों की जरूरत है अभी 98 गेंदों पे। फिर से एक बार फुल कॉर्नर बॉलिंग के लिए तैयार, इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे नायकार्क, और इस बार हवा में खेल दिया है, देखना होगा नीचे फील्डर है कि नहीं, जी नीचे फील्डर है और एक आसान सा कैच यहां पर आउट होता हुआ नायकार्क भाई, पहला विकेट गिरता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर का, वैंडे नायकार्क जो कि काफी खतरनाक मूड में लग रही थी वो आउट होता हुआ। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और पहला विकेट गिर चुका है यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर का 35 पे एक डेन वैन नायकार्क जो कि काफी बढ़िया खेल रही थी 29 रनों के स्कोर पे आउट हो चुकी है। तो भाई लाइक जरूर करिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जोविदुर रहमान जी कह रहे हैं एडिलेड विन होगा, भाई मुझे भी लगता है कि यहाँ पर एडिलेड के पास जीतने का चांस तो यहाँ पर 80% है, अब देखना होगा कि क्या होता है। 3 ओवर 5 गेंदों के बाद एडिलेड स्ट्राइकर 35 पे 1, मॉली निक्स ने कैच लिया था, फुल कॉर्नर की गेंद, फुल लेंथ गेंद था फुल कॉर्नर का, और फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ फुल कॉर्नर, इस ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे कैटी मैक, और इस बार थोड़ी सी मिडिल स्टंप का बॉल, अच्छी गेंद थी, छोटी थी, बॉल को फ्लिक कर दिया है, 2 रन, जी हाँ यहाँ पर आराम से 2 रन कंप्लीट करता हुआ, और इसी 2 रन के साथ 4 ओवर के बाद 37 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे कैटी मैक जो कि 8 रनों की स्कोर पे खेल रही है। और कैटी मैक की हम बात कर रहे थे कि कैटी मैक जो है इन्होंने 100 क्रिकेट में उतने अच्छे नहीं खेले, मगर 2020 में जो बिग बैश लीग खेला गया था, वुमेन्स बिग बैश लीग, उस बिग बैश लीग में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला था, 250 रनों की पारी है यहाँ पर। दस पारियों में से 250 की पारी, 230 की पारी और 125 की पारी, तो मतलब एक अच्छी खासी यहाँ पर रन बना सकते हैं कैटी मैक 8 रनों की स्कोर पे, और वेल बॉल्ट आए हैं नए बल्लेबाज लूरा उल्भार्ट जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाज है। पिछले मैच में जॉनसन ने कैच लिया था और दीप्ति शर्मा ने इनको आउट कर दिया था, इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद थी, कट कर दिया है बॉल को, पॉइंट और कवर के बीच में से क्या कहाँ रुकने वाले हैं, वेल वॉल्ट भी आते ही चौके से अपना खाता खोला है भाई, क्या कमाल के खाता खोले हैं। ऑफ स्टंप पे रूम मिला था, इस बार बैकफुट में जाके बॉल को खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए, आते ही कमाल के शुरुआत किया है वेल उल्भॉल्ट ने। तो फिर से बार इस ओवर की दूसरी गेंद, विल बॉल बाएं दाएं हाथ के खिलाड़ी है, कट कर दिया है बॉल को पॉइंट की तरफ, मगर बेहतरीन फील्डिंग, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, 1 रन आराम से मिलेगा, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 42 रन में 1 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, कैटी मैक है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस बार नए गेंदबाज जो आए हैं वेरहम, उनका जॉर्जिया वेरहम, फिर से बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे कैटी मैक की, और इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आए, बॉल को ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ के पास, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और इसके चलते 1 अतिरिक्त रन मिलेगा, दौड़ के रन कंप्लीट जरूर किया है, लगातार दोनों ही बैट्समैन स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और यही करना चाहिए क्योंकि यहां पर एक अच्छा स्टार्टिंग मिल चुका है एडिलेड स्ट्राइकर्स को।
वेरम की गेंद, वेल बॉल को मिडिल स्टंप का बॉल, ड्राइव करने की कोशिश मिली ऑफ द बैट, मगर कवर में उतनी ही अच्छी फील्डिंग थी इस गज के दायरे के अंदर, बॉल को रोका गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और लाइक के साथ साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार वेरहम बॉलिंग करता हुआ, थोड़ी सी लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद, मिडिल स्टंप से लेग स्टंप की तरफ बढ़ती हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया था शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है वेरहम की, पिछली मैच पिछली ओवर में इन्होंने काफी ज्यादा रन दिए थे, छक्का लगाया था शायद वेरहम, चौका लगा था वेरहम की गेंद पे। इस बार आखिरी गेंद फिर से एक बार कट किया है पॉइंट की दिशा में, मिसफील्ड हुई है, रन जी नहीं, यहाँ पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर हो चुके हैं, पांच ओवर में 43 रन एक विकेट के नुकसान पे बन चुकी है। एडिलेड स्ट्राइकर मौजूद जी यहाँ पर, तो एडिलेड स्ट्राइकर ओमेन जरूर जीतेगा और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी स्टार्ट मिल चुका है एडिलेड स्ट्राइकर ओमेन को। 90 गेंदों पे 84 रनों की जरूरत है और ये रन बड़ी मुश्किल नहीं है जहाँ पर कैटी मैक जैसी एक बड़ी बैट्समैन मौजूद है। वेल वॉल्ट की बात करें तो वेल वॉल्ट भी एक जबरदस्त खिलाड़ी है, वेल वॉल्ट ने पिछली मैच में 0-0 जरूर बनाए थे मगर साउथ अफ्रीका जब वेस्ट इंडीज सीरीज खेल रही थी तब इन्होंने 33 और 35 रनों की दो पारियां खेली है T20 में, जबरदस्त खिलाड़ी है। द 100 क्रिकेट भी इनके लिए अच्छा रहा है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 175 रनों की है इनिंग्स है और बाकी जितने भी इनिंग्स है 1 और 3 रनों की दो इनिंग्स छोड़ के 27, 22, 21, 32 मतलब रन ये बना सकती है, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है वेल बॉल। इंडिया के खिलाफ वेल बॉल ने 53 रनों का एक जबरदस्त नॉट आउट पारी खेला था, नाबाद पारी खेला था और इस बार बॉल को खेल दिया है 4 रनों के लिए, भाई मिड ऑफ के ऊपर मिड ऑफ के तरफ से खेल दिया है 4 रनों के लिए, पहली गेंद और 4 रन। छठे ओवर की पहली गेंद पे ही कैटी मैक ने चौका लगा के जाहिर कर दिया है कि आज बहुत ही जल्द यहां पर जीत हासिल करने का है। 47 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे, 80 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। एक विकेट तो गिर चुका, और यहां पर दूसरा विकेट गिरने का चांस और यहां पर दूसरा विकेट, स्टैंप आउट होता हुआ कैटी मैक, स्टेप आउट करके बॉल खेलने की कोशिश किया था शॉट को मगर टाइमिंग नहीं कर पाए, पूरी तरीके से बीट हो गए और यहां पर विकेट गिरता हुआ कैटी मैक का। थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डाल दिया था और यहां पर हरमनप्रीत कौर आते ही विकेट, क्या कमाल की आज खेले हैं 41 रनों का पारी और यहां पर आते ही विकेट निकाल लिया है हरमनप्रीत कौर ने, वो भी कैटी मैक जैसी बड़ी बैट्समैन का। 88 रनों पे 80 रनों की जो यहाँ पर 88 गेंदों पे 80 रनों की जरूरत है, दो विकेट निकाल चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो भाई और 3 लाइक दूर है यहाँ पर 15 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई लाइक करो और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब करो। कैटी मैक यहाँ पर आउट होता हुआ, तो भाई बने रही हमारे साथ वेल बॉल्ट यहाँ पर 5 रनों की स्कोर पे और यहाँ पर नए बल्लेबाज कौन आए हैं देखना होगा। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 ओवर 2 गेंदों के बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स की स्कोर जो है 47 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। आपको क्या लगता है भाई कौन सी टीम इस मैच में जीतेगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। 2 विकेट गिर जाने के बाद मैच का रूप थोड़ा सा बदलता हुआ, तालिया मैकग्रैथ आई हैं बैटिंग करने के लिए। फिर से एक बार तालिया मैकग्रैथ ने बॉल को कवर की दिशा में खेल दिया है, यहाँ पर फुल लेंथ बॉल था हरमनप्रीत कौर का, लगातार अच्छी गेंदबाजी करता हुआ हरमनप्रीत कौर इस ओवर की चौथी गेंद लेके हाजिर है, सामना करेंगे तालिया मैकग्रैथ। इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल था, कट करने की कोशिश बैकफुट में जाके, कोई रन नहीं, डॉट बॉल मिलेगा। तो लाइक जरूर कीजिए भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर कीजिए। हरमनप्रीत कौर आज बैटिंग में तो 41 रनों का पारी खेला है और बॉलिंग में आते ही विकेट निकाल लिया है। इस बार काफी बेहतरीन गेंद, थोड़ी अच्छी उछाल के साथ बॉल को डिफेंड कर दिया है सीधा बॉलर के पास है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। लगातार अच्छी गेंदबाजी करता हुआ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, भाई को सपोर्ट करो इरशाद अली जी, इरशाद भाई इरशाद जी, बैटिंग टीम 100% विन करेगी, जी हाँ जरूर यहाँ पर विन होना चाहिए। हरमनप्रीत कौर फिर से एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे तालिया मैकग्रैथ। लूरा बॉल्ट और तालिया मैकग्रैथ ये दोनों ही
अच्छी बल्लेबाज है और इस बार कट कर दिया है, मगर कोई रन नहीं मिलेगा, कवर की दिशा में बॉल गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। ओवर की समाप्ति, छह ओवर हो चुके हैं, छह ओवर के बाद 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। एडिलेड स्ट्राइकर को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 80 रनों की जरूरत है और यहाँ पर हमें 15 लाइक तक पहुँचने के लिए सिर्फ 3 लाइक की जरूरत है। तो भाई जल्दी से जल्दी भाई 3 लाइक पूरा कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तालिया मैकग्रा की अगर बात करें तो पिछली मैच में इन्होंने 42 रनों का एक जबरदस्त इनिंग्स खेला था सिडनी थंडर्स के खिलाफ। उस 42 रनों में 4 चौके शामिल थे, एक भी छक्का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया और ओमेंस एंड तो अच्छी फॉर्म में चल रही है यहाँ पर तालिया मैकग्रा। ऑस्ट्रेलिया ओमेन तो हाल ही में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ओमेन और इंडिया ओमेंस के बीच जो सीरीज खेला गया था, 3 T20 मैच खेला गया था जिसमें 2 मैचों में 42 और 44 रन नाबाद थे, मतलब आउट नहीं हुए थे। तो फिर से एक बार लूरा बॉल्ट सामना करेंगे, इस बार अगली गेंद का बॉल को डिफेंड कर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 6 ओवर 1 गेंद हो चुके हैं, 6 ओवर 1 गेंदों के बाद स्कोर जो है 47 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। मोहम्मद सईम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल थी, कट कर दिया है पॉइंट की तरफ, मगर फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, रन नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। लूरा वॉल्ट है स्ट्राइक पे। तो भाई और यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ मॉलिनेक से लेफ्ट आर्म बॉल, मिडिल स्टंप का बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। 1 रन लेकर लूरा बॉल ने स्ट्राइक को रोटेट किया है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए तालिया मैकग्रा अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। मौजिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई मौजिद जी, मोहम्मद मौजिद जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। यहाँ पर तालिया मैकग्रा था स्ट्राइक पे, सामना करेंगे मॉलिनेक्स की गेंदबाजी का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, अच्छी गेंदबाज है मॉलिनेक्स और इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, अच्छी लेंथ पे डाला था बॉल को, डिफेंड कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा नीची रही थी बॉल और मिडिल ऑफ द बैट खेला था इस बॉल को सीधा बॉलर के पास। इस बार अगली गेंद मॉलिनेक्स, फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म लेंथ बॉल, बॉल को खेल दिया है इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लिए यहाँ पर अपना खाता खोला है तालिया मैकग्रा ने। बहुत देर बाद यहाँ पर तालिया मैकग्रा ने अपना खाता खोला है। एडिलेड स्ट्राइकर को अभी भी यहाँ पर 78 रनों की जरूरत है 79 गेंदों पे। बैटिंग कर रहा है लूरा उल्भॉल्ट, उल्भॉल्ट सामना करेंगे इस बार मॉलिनेक्स की गेंद, लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, स्वीप करने की कोशिश पैड पे लगा और यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 7 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 ओवर के बाद 49 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 2 लगातार विकेट गिर जाने के बाद थोड़ा सा रन की गति जो है थोड़ा सा धीमी होता हुआ। 78 गेंदों पे 78 रनों की जरूरत है एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। 8 ओवर में 1 विकेट, मोहम्मद सईम जी कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि और 1 विकेट जाने वाला है बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है थोड़ा सा लेट जाएगा। अगले 2-3 ओवर तो कोई विकेट नहीं जाने वाले हैं क्योंकि दोनों ही बैट्समैन बहुत ही धैर्य के साथ खेलते हुए बड़ा कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक विकेट जाने का खतरा टलता रहेगा। इस बार मैकग्रा तालिया मैकग्रा था स्ट्राइक पे, सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर की गेंदबाजी का। फ्लाइटेड गेंद खेल दिया है बॉल का, बैट का एज लिया, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ और यहां पर चौका, और इसी चौके की जरूरत था तालिया मैकग्रा को और इसी चौके के साथ 7 ओवर 1 गेंदों के बाद रन बन चुके हैं भाई 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बेहतरीन रन बन चुके हैं यहाँ पर तालिया मैकग्रा 5 रनों की स्कोर पे। फिर से एक बार सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर की गेंदबाजी का। हरमनप्रीत कौर पहली ओवर में इन्होंने विकेट निकाले थे, अब क्या इस ओवर में निकाल पाएंगे, मगर इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, अच्छी लेंथ पे डाला था बॉल को, खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल लिया है यहाँ पर और सिंगल लेके उल्भॉर्ट को दिया है, उल्भॉर्ट क्या करेंगे देखना होगा। 7 ओवर 2 गेंदें हो चुके हैं और इस बार अगली गेंद के लिए तैयार हरमनप्रीत कौर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ उल्भॉर्ट को, इस बार गैप में खेला हुआ शॉट था, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है बॉल को, एक ही रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 55 रनों तक पहुंच चुका है।
कारेन रनरेट की अगर बात करें तो 7.33 का कारेन रनरेट चल रहा है और रिक्वायर्ड रनरेट बहुत ही कम है 5.76 का। तो रिक्वायर्ड रनरेट बहुत ही कम है तो यहाँ पर आराम से खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। इस बीच बॉल तालिया मैकग्रा ने बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन मिलेंगे लगातार सिंगल रोटेट करते हुए क्योंकि इस ओवर में एक चौका जरूर आ चुका है पहली गेंद पे। लगातार अच्छी गेंद बल्लेबाजी चलता हुआ उल्भाट सामना करेंगे। इस बार पैर की तरफ बॉल डाला था, थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ पिच हुई गेंद, बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है सिंगल लेता हुआ उल्भाट। उल्भाट इस सिंगल के साथ पहुंच चुके हैं 8 रनों की स्कोर पे और स्कोर हो चुका है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी टीम विन होगी? इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद कट कर दिया है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, एक रन जरूर आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर तालिया मैकग्रा को और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8 ओवर के बाद स्कोर जो है एडिलेड स्ट्राइकर का 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे बन चुकी है। बात करें यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को तो इस ओवर में हरमनप्रीत कौर ने 9 रन दिए हैं तो 2 ओवर में हरमनप्रीत कौर ने 13 रन दे के 1 विकेट निकाला है और वो भी बड़ा विकेट कैटी मैक का, काफ़ी खतरनाक नज़र आ रही थी कैटी मैक जिनको हरमनप्रीत कौर आते ही आउट कर दिया है। अभी तक कुल 5 बॉलर को यूज़ किया है यहाँ पर मॉलिनेक्स ने। अगला ओवर देखना पड़ेगा किसको दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई जारी जुड़ने के लिए। इसी तरह भाई हमारे साथ संजय यादव जी जैसे जुड़े हैं सभी भाई जुड़ जाइए और लाइक जरूर कीजिए और 2 लाइक दूर है यहाँ पर 15 लाइक से। बॉलिंग करता हुआ इस ओवर के अगली गेंद सामना करेंगे तालिया मैकग्रा राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ ऑफ स्टैम्प पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया है एक डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन लेता हुआ तालिया मैकग्रा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है बन चुका है 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो। जी हाँ भाई यहाँ पर तो लाइव ही देख रहा हूं मैं और बॉल को खेल दिया है सीधा मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। 8 ओवर 2 गेंदों के बाद 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस ओवर में, ये ओवर काफी अच्छा जाता हुआ। लेसन बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ उल भॉल्ट को, भॉल्ट ने खेल दिया इस बार मिड ऑफ के पास सिंगल, लगातार सिंगल यहां पर लेते हुए और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 60 रनों तक पहुंच चुका है 8 ओवर 3 गेंदों के बाद। अभी भी एडिलेड स्ट्राइकर को 67 रनों की जरूरत है 69 गेंदों के बाद। मैकग्रा था स्ट्राइक पे, सामना करेंगे लेसन की गेंद का राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ। ओ ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, थोड़ा सा गुड लेंथ की बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट और इसी चौके की जरूरत थी और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 64 रनों की तक पहुंच चुका है। बहुत ही खतरनाक बैटिंग करता हुआ यहां पर तालिया मैकग्रा 13 रनों के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। स्कोर जो है यहां पर बन चुका है 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तालिया मैकग्रा फिर से एक बार सामना करेंगे लीसन की गेंद का राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ। इस बार थोड़ी सी स्लोअर बॉल था, बॉल को फिर से एक बार ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ के बगल से, बॉल निकल गया है, 1 रन जरूर मिल जाएगा और इसी 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर जो है 65 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लीसन एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर है और सामना करेंगे इस बार उल्भॉल्ट, लेग स्टंप से बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ेगा। उल्भॉल्ट है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे लीसन की गेंदबाजी का। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ओवर की आखिरी गेंद लेसन बॉलिंग करता हुआ ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और 4 रन मिल जाएंगे और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 70 रनों तक पहुँच चुका है 9 ओवर के बाद। एडिलेड स्ट्राइकर का जिस तरीके से जो यहाँ पर रन चल रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर विनिंग रन भी आ जाएंगे। 9 ओवर के बाद 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे बने हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का। मेलबोर्न रेनेगेड्स जो है यहाँ पर कोई भी दबाव नहीं बना पा रही है एडिलेड स्ट्राइकर के ऊपर।
66 गेंदों पे 57 रनों की जरूरत है। लाइम वालकर जी कह रहे हैं हु विल विन, भाई मुझे लगता है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर विल विन डेफिनेटली। अब देखना होगा कि कौन जीतता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा सिचुएशन जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर जो है यहाँ पर आराम से जीत दर्ज कर लेगा। तो भाई यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और 2 लाइक दूर है यहाँ पर 15 लाइक से। बॉलिंग पे चेंजेस किए हैं और यहाँ पर नए बॉलर को लाया गया है बॉलिंग डालने के लिए। सामने है तालिया मैकग्रैथ, सामना करेंगे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक एंड लाइक एंड लाइक, और इफ यू नॉट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल करता हुआ स्लोअर बॉल और यहाँ पर बड़ी शॉट, 4 रन मिल जाएंगे गैप में खेला हुआ शॉट, नहीं तो बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, 2 रन आराम से लेते हुए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जो है 72 रन। रन की गति जो है वो कम नहीं हो रही है और रन की गति कम करनी है तो यहाँ पर विकेट लेने होंगे मेलबॉर्न रेनेगेड्स को। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या विकेट निकाल पाते हैं। 65 गेंदों पे 55 रनों की जरूरत है इस मैच में जीतने के लिए। तालिया मैकग्रैथ फिर से एक बार सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद, इस बार बॉल अच्छी स्विंग के साथ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। परवेज हक जी कह रहे हैं मैं फिर से आया भाई। जी हाँ, परवेज हक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई परवेज जी जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मैच एडिलेड स्ट्राइकर की जेब में जाता हुआ फ्रॉम बांग्लादेश। जी हाँ भाई, कल बांग्लादेश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत हासिल की है और मस्ट विन मैच था वो मैच, उस मैच में जीत हासिल की है। आगे देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश आगे जो मैच है उसमें भी शायद जीत हासिल करेगा और हमें सुपर 12 में खेलने के लिए देखने के लिए भी मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर 9 ओवर 3 गेंदे हो चुके हैं, 73 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। एडिलेड स्ट्राइकर जीतेगी टुडे। जी हाँ, यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर से जीतेगी। तो देखते हैं उल्भट उल्भट ने इस बार खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सिंगल लेता हुआ। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का दूसरा मैच भी यहाँ पर होने वाला है मेलबॉर्न स्टार एंड सिडनी सिक्सर के बीच। इस मैच के तुरंत बाद ही वो मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, मगर इस मैच में अगला गेंद और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ, लगातार यहाँ पर सिंगल ले रहे हैं यहाँ दोनों ही बैट्समैन बल्लेबाज। जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल लेने से ही यहाँ पर आसानी से जीत हासिल किया जा सकता है। 9 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 विकेट गए हैं एडिलेड स्ट्राइकर के और 75 रन बन चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद वेब कॉर्नी वेब जो कि आज बल्लेबाजी नहीं कर पाई है ठीक से, 1 रन की स्कोर पे आउट हुई थी और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, हाउ में खेल दिया था। बॉल यहां पर गया है मिड ऑन के पास, सिंगल लेके यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखा है तालिया, यहां पर वोल्ड बॉल तालिया मैकग्रैथ ने 10 ओवर के बाद 76 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, जरूर खेलेगा और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होता है। 60 गेंदों पे 51 रनों की जरूरत है इस मैच में जीतने के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स को और मुझे जरूरत है सिर्फ 2 लाइक के 15 लाइक तक पहुँचने के लिए। तो भाई यहाँ पर सपोर्ट करो और 2 लाइक और यहाँ पर कर दो 15 लाइक के लिए। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मैच हमें देखने के लिए मिल जाएगा। परवेज हक ने बांग्लादेश सिंधु बनाओ को लिए वो भाई दुआ करना, भाई आप लोगों की जगह पे अगर हम लोग सेफ नहीं है तो कैसे, हम लोग तो बांग्लादेश को अपना पड़ोसी समझते हैं और समझते रहेंगे, मगर आप लोग हम लोग को क्या समझते हैं उसके ऊपर आप लोग का है। कुशल किशोर रवि जी लाइक कर दिया भाई, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए कुशल किशोर रवि जी और हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच भाई। लाइक जरूर करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो।
जे एन सी यू बलिया जी कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई 15 लाइक तक पहुंचने के लिए। जानकारी जी हमारे साथ है, बलिया जानकारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। लाइक किया है भाई, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। फिर से एक बार दोबारा मैच स्टार्ट हो चुका है, मैच की तरफ रुख करते हैं। ओल्डहॉर्ट है स्ट्राइक पे 15 रनों के स्कोर पे और सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद बैकफुट में जाकर इसको ऑफसाइड में पॉइंट की तरफ खेल दिया है, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल बेहतरीन फील्डिंग वापस डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ते, यहाँ पर 76 रन ही है 2 विकेट के नुकसान पे। आफिफ बिजनेस जी कह रहे हैं भाई यहाँ पर हाउ आर यू भाई, आई एम थैंक यू मुनीस म्यूजिक बॉक्स जी। आरिफ बिजनेस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। के जिदबे भाई यहाँ पर एडिलेट स्ट्राइकर्स का पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पर उम्मीद है कि एडिलेट स्ट्राइकर जो है यहाँ पर जीत सकती है। अगर यहाँ रन पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं मेलबॉर्न रेनेगेड्स। इस बार फ्लाइटेड गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कवर में लगातार कोशिश कर रहे हैं गैप में खेलने की मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। वह हम लगातार अच्छी गेंदबाजी करता हुआ पियो जॉन प्रियो जी कह रहे हैं आउट भाई, आउट तो नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर मेलबॉर्न रेनेगेड्स को रन पे रोक लगानी है तो विकेट लेने होंगे। इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आए, स्टेप आउट करके शॉट को खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से एक बार ओवर हम बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे तालिया मैकग्रा कप्तान है इस टीम के और इस बार बैकफुट में जाके खेल दिया है। मिडिल स्टंप का बॉल था सीधा बॉलर के पास ही खेला है, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ओवर हम का भाई, विकेट यहाँ पर आना चाहिए अगर यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स को मैच में वापसी करना है तो। फिर से एक बार बैकफुट में जाके खेल दिया है, कट कर दिया है बॉल को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, मगर फील्डर मौजूद है वहाँ पर 30 गज के दायरे के अंदर, बॉल को रोक लिया गया है, रन नहीं। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए हैं भाई, वाह काफ़ी अच्छा ओवर रहा है ये ओवर हम का। देखा जाए मेलबॉर्न रेनेगेड्स की दृष्टिकोण से तो यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स के लिए अच्छा ओवर है, सिर्फ 1 रन आए हैं इस ओवर में, बहुत ही अच्छा ओवर। और अभी भी 54 गेंदों पे 50 रनों की जरूरत है एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। बैटिंग में है ओल्डहॉर्ट एंड मैकग्रा। ओल्डहॉर्ट बहुत देर से भाई यहाँ पर बॉल्टी खा रहे हैं, बैटिंग कर रहा है 16 रनों की स्कोर पे और मैकग्रा 18 रनों की स्कोर पे। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। लूरा ओल्डहॉर्ट स्ट्राइक पे है और देखना होगा कि गेंदबाजी करने कौन आती है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद वाला मैच भी इस चैनल के आने वाला है। राइट आर्म हरमनप्रीत कौर, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ फ्लाइटेड गेंद अगेंस्ट द स्पिन जाके खेल दिया है बॉल को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जो है 78 तक पहुंच चुका है। तालिया मैकग्रा सामना करेंगे इस बार हरमनप्रीत कौर की गेंदबाजी का। हरमनप्रीत कौर अपना 3रा ओवर डाल रही है, तीसरी ओवर की दूसरी गेंद ओवर द विकेट ऑफ स्टंप पे बॉल था, बॉल के लिए वेट किया, मस्ट वेटेड बॉल था और यहाँ पर बॉल को हल्का सा प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया थर्ड मैन की तरफ, 2 रन आराम से कंप्लीट करता हुआ और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 80 रनों तक पहुँच चुका है। आराम से दोनों ही बैट्समैन खेल रहे हैं और लग नहीं रहा है कि कोई भी दिक्कत इन दोनों को आ रही है खेलने में, क्योंकि जानते हैं अगर यहाँ से सिंगल भी रन निकाला जाए तो यहाँ पर मैच में आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी हमें आज देखने के लिए मिल सकता है और इस बीच 1 रन लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है और इसी 1 रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 81 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तालिया मैकग्रा जो कि 21 रनों के स्कोर पे खेल रहा है और लूरा ओल्डहॉर्ट जो कि 17 रनों की स्कोर पे है। इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद बाहर की तरफ निकली, कट कर दिया है बॉल को, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे और यहाँ पर चौका मिल जाएंगे भाई और इसी चौके के साथ ही स्कोर जो है, फील्डर इंजोर्ड है, 4 रन जरूर मिले हैं और यहाँ पर इसी चौके के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, देखना होगा भाई क्या हुआ है। यहाँ पर प्लेयर थोड़ी सी इंजोर्ड है, फील्डर कट किया था बॉल को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद थे और यहाँ पर पैर थोड़ा सा जो है गड्ढे में गिर गया है
अब देखना होगा फील्ड, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया है और काफी दर्द हो रहा है फील्डर को, फील्डर को काफी दर्द हो रहा है, इसलिए मेडिकल स्टाफ आए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, मैच रुका हुआ है भाई। एमआर जीतेगी भाई, शौरिफ मोहम्मद शौरिफ जी एक पॉजिटिव मैन है और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि यहाँ से भी मेलबोर्न रेनेगेड्स जीत सकता है। देखना होगा भाई, प्लेयर इंजोर्ड है यहाँ पर फील्डर, अब देखना होगा कि कौन सी फील्डर इंजोर्ड है। भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया था शॉट को 4 रनों के लिए और ओल्ड भॉट ने शॉट को खेला था, स्कोर हो चुका है भाई 85 रन। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्कोर होता हुआ, मगर यहाँ पर फील्डर थोड़ी सी इंजोर्ड है, अब देखना होगा इंजुरी कितनी गहरी है। जॉर्जिया वेरहम इंजोर्ड है भाई, जॉर्जिया वेरहम इंजोर्ड है और फिजियो को बुलाया गया है। जॉर्जिया वेरहम यहाँ पर इंजोर्ड है, मुझे लगता नहीं कि गेंदबाजी करने पाएगी आखिर के ओवर, सिर्फ एक ओवर बाकी है जॉर्जिया वेरहम को, मगर मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग कर पाएगी क्योंकि इंजुरीज बहुत ही ज़्यादा है, पेन बहुत ही ज़्यादा है उनकी। अब देखना होगा कि मैदान से बाहर की तरफ नहीं गई है अभी तक, जी हाँ गाड़ी बुलाया जा रहा है उनको बाहर ले जाने के लिए। जॉर्जिया वेरहम की पैर में चोट लगी है और उनको बाहर लाने के लिए मैदान पे गाड़ी को बुलाया गया है, तो इसके लिए मैदान पे मैच रुका हुआ है। जॉर्जिया वेरहम थोड़ी सी इंजोर्ड है, थोड़ी सी नहीं, उनका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा है और इसके लिए उन एक गाड़ी बुलाया गया है मैदान से बाहर ले जाने के लिए। तो भाई आज जो यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगर्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी किया, बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे, और उसकी जवाब में यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर ने 85 रन बना लिया है 2 विकेट के नुकसान पे। 11 ओवर 4 गेंदों में यहाँ पर गाड़ी आई है यहाँ पर जॉर्जिया वेरहम को ले जाने के लिए। चोट बहुत ही गहरा है, विकेट टेकर वाले ही बॉलर इंजोर्ड हो गया, जी हाँ इरशाद अली जी। यहाँ पर एक ओवर बाकी था वेरहम का, जॉर्जिया वेरहम का एक ओवर बाकी था, 3 ओवर डाल चुकी थी जॉर्जिया वेरहम और 3 ओवर में इन्होंने 13 रन दिए थे। तो मैच दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, ओल्ड भॉल्ट है स्ट्राइक पे सामना करेंगे और इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद, खेल दिया है बॉल को कट करने की कोशिश, मगर यहाँ पर भाई वो कैसे इंजर्ड हुई वो दिखाई दे रहा था, अभी भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। तो भाई लाइक जरूर करें और 3 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक में पहुंचने के लिए, तो लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं भाई कितनी जल्दी आप लोग 20 लाइक तक पहुंचाते हैं भाई। और हरमनप्रीत कौर है बॉलर, बॉलिंग करने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो। ओल्ड भॉल्ट है स्ट्राइक पे सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर की अगली गेंदबाजी का। इस बार अच्छी गेंद, मिडिल ऑफ द बैट खेल दिया है बॉल को मिड ऑन के तरफ, सिंगल लेता हुआ लगातार यहाँ पर सिंगल बटोर रहे हैं और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 86 रनों तक पहुँच चुका है। धीरे धीरे स्कोर अच्छी तरह आगे की तरफ बढ़ता हुआ और ऐसे ही खेलना होगा बैट्समैन को, क्योंकि यहाँ पर रनर बॉल है 49 गेंदों पर 41 रन। और इस बार फिर से एक बार ओल्ड भॉल्ट, इस बार तालिया मैगनट ने बॉल को गैप में खेल दिया है या एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन मिलेगा लगातार सी स्ट्राइक रोटेट करते हुए। 12 ओवर के बाद 87 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, भाई ने हमें 18 लाइक तक पहुंचा दिया है और सिर्फ 2 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक तक पहुंचने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि भाई 48 गेंदों पर 40 रन बनने से पहले यहाँ पर लाइक बरसात हो जाएगा। ओल्ड भॉल्ट जो कि यहाँ पर खेल रही है 22 रनों की स्कोर पे और तालिया मैगनट 22 रनों की स्कोर पे, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर 22 रनों की स्कोर पे खेल रही है, खास करके तालिया मैगनट 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही है, अभी तक 2 चौके लगा चुकी है। फिर से वह बॉलिंग करता हुआ मॉली नेक्स लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ तालिया मैगनट को, मिडिल ऑफ द बैट खेल दिया है पॉइंट की तरफ,
मगर वहां पर मिसफील्ड हुई है। एक रन आराम से लेता हुआ, एक रन लगातार यहां पर एक रन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोनों बैट्समैनों को। तो यहां पर लगातार एक रन लेते हुए 12 ओवर एक गेंद हो चुके हैं, 88 रन दो विकेट के नुकसान पे। भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। लेग स्टंप पे पीछे गेंद मिड ऑन की तरफ खेल दिया है, सिली मिड ऑन पे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। मॉलिनेक्स फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, फिर से एक बार पैर की तरफ बॉल किया था, बॉल को खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 99 रन बन चुके हैं। मॉलिनेक्स अपना तीसरा ओवर डाल रही है, तो भाई बने रही हमारे साथ। मॉलिनेक्स लेफ्ट आर्म बॉलिंग डालते हैं, बाएं हाथ के बॉलर है, बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ बैकफुट में गया, कट कर दिया है बॉल को, कवर के बगल से बॉल निकल गया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ। लगातार अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, दोनों बैट्समैन कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, मैच यहां पर आखिर तक खेलना है और मैच अगर आखिर तक खेलेंगे तो यहां पर मैच निकाल लेंगे। 90 रन बन चुके हैं, तो काफी बेहतरीन यहां पर खेलता हुआ मॉलिनेक्स, आज एक भी विकेट नहीं मिला है इनको, एक भी विकेट नहीं निकाल पाई है मॉलिनेक्स और लगातार अच्छी गेंदबाजी किया है सब, अच्छी इकोनॉमिक रेट के साथ गेंदबाजी किया है मगर विकेट नहीं निकाल पाई है। और यहां पर मेलबोर्न रेनेगेड्स को अगर जीतना है तो विकेट निकालने होंगे और बहुत देर हो चुका है, अब विकेट निकालने से भी काम नहीं बन सकता है। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, पैर की तरफ बॉल डाला था इस ओवर की आखिरी गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखा है तालिया मैकगार्थ ने 13 ओवर के बाद 92 रन दो विकेट के नुकसान पे। जीत भाई कमेंटेटर थैंक यू, नेवर से पाकिस्तान का मैच देखना, 10,000 लाइक जाएगा। जी हाँ भाई इरशाद अली जी, अब इरशाद अली जी आपको बता दे कि ये मैच होगा कि नहीं होगा, अभी भी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि इस मैच को लेकर कि इसको मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच कवरअप नहीं किया हूं। आज सोच रहा हूं कि श्रीलंका और आयरलैंड का जो मैच खेला जाएगा वो बहुत वाइटल मैच होगा, उसको आज कवर करने का कोशिश करूंगा। आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर कोशिश करूंगा भाई T20 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग करने का। 13 ओवर हो चुके हैं, 13 ओवर के बाद अब 92 रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पे। भाई देखिए कैसा सपोर्ट है यहाँ पर, अभी तक 20 लाइक नहीं आए हैं तो 20 लाइक यहाँ पर जरूर कर दीजिए। एडिलेड स्ट्राइकर्स नीड 35 रन्स, 35 रनों का जरूरत है 42 गेंदों पे। क्या लगता है भाई यहाँ पर मैच अब यहाँ से तो फंस नहीं सकता। मॉलिनेक्स ने 3 ओवर डाले हैं, 12 रन दिए हैं और नेक्स्ट ओवर बॉलर आए हैं लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, मिडिल स्टंप का बॉल थोड़ी सी नीचे रही, बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, ढकेल दिया है बॉल को, एक रन लेता हुआ तालिया मैकग्राथ और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 93 रनों तक पहुंच चुका है। बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं बॉलिंग डालने के लिए T20। हाँ भाई कवर करना, अच्छा सपोर्ट मिले।
लगातार अच्छी गेंदबाजी चलता हुआ, मगर यहाँ पर 100 रन पूरे हो चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर सोमन का। भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल प्रतिभा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन रन बनता हुआ 102 रन 13 ओवर 4 गेंदों के बाद। तालिया मैग्रा 34 रनों के स्कोर पे सामना करेंगे फिर से एक बार एवलिन जोन्स की गेंदबाजी का। ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद, बैकफुट में जाके बॉल को ड्राइव कर दिया, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल लेता हुआ और यहाँ पर लगातार रन में बढ़ोतरी। यहाँ से तो मैच निकाल पाना बहुत ही आसान हो जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। दोनों ही यहाँ पर बैट्समैन जो है काफ़ी एक्सपीरियंस बैट्समैन है, तालिया मैग्राथ एंड ओल भाट। इस बार ओल भाट है स्ट्राइक पे, फिर से एक बार एवलिन जोन्स लेफ्ट आर्म बॉलिंग, बॉल को खेल दिया है, इस बार फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार ऑफ स्टैम्प पे बॉलिंग कर रहे हैं और लगातार इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल रहे हैं। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 14 ओवर के बाद 104 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर से मैच एडिलेड स्ट्राइकर को अभी 23 रनों की जरूरत है मैच को निकाल लेने के लिए 36 गेंदों पे। तो आसान सा होता हुआ यह मैच एडिलेड स्ट्राइकर के लिए और ये एडिलेड स्ट्राइकर के लिए मस्ट विन मैच है। दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है और दो दो पॉइंट के साथ टेबल में बने हुए हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स अगर इस मैच को जीत जाता है तो 4 पॉइंट के साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे नहीं, ये पहले नंबर पे चल जाएंगे सिडनी सिक्सर को पीछे छोड़ के। तो भाई हमारे साथ बने हैं यहाँ पर और 28 भाई बने हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक से। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतिभा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार लीसन आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, लीसन बॉलिंग डालता हुआ और सामना करेंगे ओल भाट। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ ओल भाट को, ओल भाट और इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के पास, सिंगल लेता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर जैसी लेसन का, आज विकेट नहीं निकाल पाए, ये बहुत मतलब एवरेज बॉलिंग रहा है मेलबर्न रेनेगेड्स का। मेलबर्न रेनेगेड्स का जो है बॉलिंग उतनी खास असर नहीं डाल पाई एडिलेड स्ट्राइकर्स के ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया है इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ जहां पर हरमनप्रीत कौर ने बॉल को फील्ड किया है, सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट किया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो 106 रनों तक पहुँच चुका है। अभी भी 121 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। लीसन बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद स्लोअर बॉल, बॉल को खेल दिया है फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सिंगल लेता हुआ। लगातार यहाँ पर सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर के दोनों स्ट्राइक बैट्समैन तालिया मैग्राथ एंड ओल भाट। जबरदस्त बैटिंग का नजारा, 20 रनों की जरूरत है अभी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए 33 गेंदों पे। फिर से एक बार बॉलिंग, मिडिल स्टंप का बॉल, मिडिल ऑफ द बैट खेला है, बॉलर के हाथ से लग गए, बॉल चला गया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल फिर से मिलेगा बैट्समैनों को। दोनों ही बैट्समैन बड़ा शॉट लेने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लगातार सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं यहाँ से मैच सिर्फ सिंगल से ही निकाला जा सकता है। लीसन ने इस ओवर की अगली गेंद और बार पास स्लोअर बॉल डाला था, मिड ऑन की तरफ खेल दिया है, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। लगातार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करता हुआ लीसन। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को लाइक करो और चैनल प्रतिभा चैनल को सब्सक्राइब करो। इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ ओल भाट, इस बार बैकफुट में जाके बॉल को खेल दिया है पॉइंट की तरफ, मगर फील्डर मौजूद है 30 गज के दायरे के अंदर, कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ। और इसी लगातार डॉट बॉलों के साथ ओवर की समाप्ति, 15 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 108 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर तक यहाँ पर मैच को ले जाने का इरादा है क्या शायद दोनों बैट्समैन का, 30 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत है और यहाँ पर चाहते हैं तो बड़ा शॉट लगा सकते हैं मगर ये लोग लगाने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और जरूरत भी नहीं है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर को बड़ा शॉट खेलने का। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, पहली गेंद और यहाँ पर बॉलर को स्टॉप करवा दिया गया है बॉलिंग के लिए। अब देखना होगा कि साइड स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ। हरमनप्रीत कौर आई है बॉलिंग डालने के लिए, अपना चौथा ओवर डालेंगी हरमनप्रीत कौर और सामना करेंगे इस बार तालिया मैग्राथ। हरमनप्रीत कौर राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ,
तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। अमन सिंह जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच अमन सिंह जी, आप लोग इसी तरह हमको विश करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हरमनप्रीत कौर फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, मिडिल स्टंप का बॉल सीधा बल्ले से खेल दिया है बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। 15 ओवर एक गेंदों के बाद स्कोर जो है यहां पर 108 रन ही बने हुए हैं। हरमनप्रीत कौर लगातार अच्छी परफॉर्म करता हुआ, हरमनप्रीत कौर का यह चौथा ओवर है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, इस बार बैकफुट में जाकर बॉल को ड्राइव कर दिया है, बॉल थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, बॉल चला गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और यहां पर सिंगल लेके यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया है। लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पर चल रही है हरमनप्रीत कौर का, एक विकेट तो ये निकाल चुकी है, अब देखना होगा दूसरा विकेट भी निकाल पाती है कि नहीं। राइट आप ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, मिडिल स्टंप का बॉल थोड़ी अच्छी चाल के साथ, बॉल को खेलने की कोशिश किया था लेग स्टंप पे, मगर बॉल बॉलर के बगल से बॉल निकल गया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेके यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया है और एक रन मिला है। क्या लगता है भाई आज इस मैच में तो एडिलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा, मगर नेक्स्ट मैच जो है यहां पर मेलबोर्न स्टार और सिडनी सिक्सर के बीच, उस मैच में कौन जीत सकता है। इसमें इसमें स्पीड हुई है और यहां पर बॉल चला गया है 4 रनों के लिए, भाई ये चौका जीत की ओर भी नजदीक बन पहुंच चुका है एडिलेड स्ट्राइकर्स, जीत की ओर भी नजदीक पहुंच चुका है एडिलेड स्ट्राइकर्स। अभी सिर्फ 13 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए 26 गेंदों पे। फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए यहां पर हरमनप्रीत कौर, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, बॉल को कट कर दिया है, बॉल चला गया कवर की दिशा में, एक रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होना चाहिए था, मगर 15 ओवर 5 गेंदे हो चुकी है। तो लगातार अच्छी यहां पर सिर्फ एडिलेड स्ट्राइकर्स की जीत जो है वो समय के ऊपर है कि कितने समय पे जीत हासिल करते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को मजबूर किया बैकफुट में जाने के लिए, बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल लेते हुए, ओवर की समाप्ति 16 ओवर के बाद, स्कोर जो है 116 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, सिर्फ 11 रनों की जरूरत है अभी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। आपको क्या लगता है भाई अब इस मैच में तो एडिलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा, मगर क्या लगता है कि तालिया मैकग्रैथ अपना 50 रन पूरा कर पाएगा, क्योंकि 7 रन दूर है यहाँ पर तालिया मैकग्रैथ अपने 50 रनों से, और हम दूर है यहाँ पर सिर्फ 2 लाइक से यहाँ पर 20 लाइक के लिए। तो भाई 20 लाइक यहाँ पर पूरा कर दीजिए और यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं कौन भाई है जो हमें 20 लाइक तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता है। लाइक जरूर करिए और चैनल पर, थैंक यू सो मच भाई। देखिए भाई ने ये भाई होता है, ये सचमुच का भाई होता है भाई, देखिए भाई ने लाइक करके 20 लाइक तक पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच भाई। उल भाट है स्ट्राइक पे सामना करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, लेग स्टंप पे बॉल को खेल दिया बॉलर के बगल से, बॉल चला गया लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है उल भाट ने, और इसी के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 117 रन। मैंने कर दिया लाइक अंकुर चौधरी जी, भाई अंकुर चौधरी जी हमें लाइक किया है, थैंक यू सो मच भाई अंकुर चौधरी जी लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह भाई लाइक करते जाइए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ लिसन, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार ऑफ स्टैम्प पे आके बॉल को जोरदार हिट लगाया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन मिल जाना चाहिए, मगर आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, आखिरकार 3 रन मिलेगा और इसे 3 रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 120 रनों तक पहुँच चुका है। जबरदस्त फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पे, बाउंड्री लाइन पे बहुत ही उमदा फील्डिंग, ड्राइव लगाया था। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही बड़ा मैच चल रहा है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स एंड मेलबोर्न रेनेगर्ट्स के बीच। अभी भी 7 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। लिसन बॉलिंग करता हुआ अपना तीसरा ओवर डाल रही है लिसन, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ सामना करेंगी ओल्ड भाट, बॉल को खेल दिया यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ। भाई लगातार जो दोनों ही बैट्समैन कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल सिंगल से ही रन बन जाएगा, वो भी एक या दो ओवर से पहले जीत आ जाएगी।
तो इसी तरह सिर्फ समय का इंतजार है, एडिलेड स्ट्राइकर कब जीत हासिल करता है। 6 रन की जरूरत है अभी और बॉलिंग पे है लिसन। इस ओवर की अगली गेंद, बॉलिंग करता हुआ चौथी गेंद, विकेट छोड़ के ऑफ स्टंप पे खेल दिया है बॉल को कवर की दिशा में। थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग वहां पर, मगर एक रन मिलेगा, मिसफील्ड हुई थी। बात करें आज बहुत मजा आया, बहुत सारे भाई से हम बात किए और यहाँ पर बहुत सारे भाई हमारे साथ बने हुए रहे। थैंक यू सो मच भाई सभी दोस्तों को। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से ये उस बार ओल्ड बॉट, फिर से एक बार डॉट गेंद, बहुत नजदीक आ चुका है और यहाँ से इंतजार बहुत ही कम होता है आदमी का, क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत है और इस 5 रन को बनाने में देखना होगा कि कितना टाइम लेता है ओल्बर्ट। और इस बार बैकफुट में जाके खेलने की कोशिश किया था, बॉल बैट का किनारा लिया, पॉइंट की तरफ गया है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ 17 ओवर कंप्लीट हो चुका है। 17 ओवर के बाद 122 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद जो मैच स्टार्ट होने वाला है वो मैच है सिडनी सिक्सर एंड मेलबोर्न स्टार्स के बीच। इस मैच के तुरंत बाद वो मैच भी स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो भाई लाइक जरूर करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काफी बड़ा मैच है ये, कल 23 तारीख को, कल परसों कोई मैच नहीं है, 23 तारीख को 4 मैचेस है। बहुत ही यहाँ पर अच्छा मैच रहने वाला है। तो भाई लाइक जरूर करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिसन ने 3 ओवर में 22 रन दिए हैं, फिर से बार बॉलिंग करता हुआ मॉलिनेक्स, पहली गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश, वहां पर मिसफील्ड हुई है, कैच छूटा है और एक रन जरूर मिला है, मगर दो रन मिले हैं मगर यहाँ पर कैच छूटा है, आखिरी टाइम पे यहाँ पर कैच छूटा है। तालिया मैकगार्थ 49 रनों की स्कोर पे खेल रही है, क्या अपना 50, एक रन जरूरत है 50 रन बनाने के लिए और मुझे लगता है कि अपना 50 रन जरूर पूरा कर लेगी तालिया मैकगार्थ। लेफ्ट आर्म मॉलिनेक्स की गेंद हवा में खेल दिया है, फिर से एक बार सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक, रोटेट किया है और 50 रन भी पूरे हो गए हैं तालिया मैकगार्थ का। तो बहुत ही उमदा यहाँ पर बैटिंग चलता हुआ, 2 रनों की जरूरत है एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस मैच को जीत हासिल करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ, 16 गेंदों पे 2 रनों की जरूरत है और सामना करेंगे मॉलिनेक्स की गेंदबाजी का। ओल्ड बॉट आगे निकल के आए, हाँ में खेल दिया है बॉल को और बॉल चला गया है सीधा 4 रनों के लिए। आखिरी बॉल पे यहाँ पर चौका लगा दिया है ओल्ड बॉट ने और यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स जो है यहाँ पर मैच जीतता हुआ। जी हाँ, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने इस मैच को जीत लिया है, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने इस मैच को जीत लिया है भाई। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने इस मैच को जीत लिया है। सिर्फ और सिर्फ एडिलेड स्ट्राइकर्स ने इस मैच को भाई 8 विकेट से जीत लिया है। तो भाई बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी बेहतरीन मैच रहा और थोड़ी ही देर में दूसरा मैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर स्कोर कार्ड की, भाई हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से
नाइकार्ट ने और कैटी मैक ने जबरदस्त स्टार्टिंग देने का कोशिश किया है। नाइकार्ट जब आउट हुई तब 35 रन था स्कोर बोर्ड पे, उसके बाद दूसरा विकेट कैटी मैक आउट हुई 47 रन जब स्कोर बोर्ड पे था, और नाइकार्ट 29 रन बनाए थे 14 गेंदों पे 7 चौके की मदद से, मतलब ताबड़तोड़ स्टार्टिंग किया था नाइकार्ट ने। उसके बाद कैटी मैक 13 रन 2 चौके की मदद से, उसके बाद से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। पहले मेलबॉर्न रेनेगेड्स यहाँ पर बैटिंग करने आई थी, मेलबॉर्न रेनेगेड्स ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए मॉलिनेक्स और रॉड्रिगेज ने बैटिंग किया था, ये था पूरा स्कोर का। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। आज मेलबॉर्न रेनेगेड्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मॉलिनेक्स और रॉड्रिगेज ने पारी की शुरुआत करते हुए मॉलिनेक्स और रॉड्रिगेज ने एक ताबड़तोड़ स्टार्ट देने की कोशिश किया था, मगर पहला विकेट रॉड्रिगेज का विकेट लिया था सारा कोटे ने, 9 रन बना के 16 गेंदों पे 9 रन बना के आउट हो चुकी थी। थोड़ा सा धीमा स्टार्ट किया था यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स, और उसके बाद रॉड्रिगेज लगातार विकेट गिरती रही, और आखिरकार 20 ओवर में मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है 126 रन ही बना पाई 6 विकेट के नुकसान पे। एडिलेड स्ट्राइकर्स जो है उस रन का पीछा करते हुए 129 रन बना लिया है 2 विकेट के नुकसान पे, और 8 विकेट से जीत हासिल किया है। 129 रन 2 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर 3 गेंदों में ही ये लोग बना लिया है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट मैच जो कि यहाँ पर होने वाला है, थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है, मेलबॉर्न स्टार एंड सिडनी सिक्सर के बीच। उस मैच में हम लोग आपस में यहाँ पर भेंट होंगे, और आप लोग बने रहिएगा, उस मैच का लाइव कमेंट्री लेके हम आएंगे। तो तब तक के लिए भाई बाय, और बढ़िया रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।